ढाई फीट का ये बच्चा होगा, 3 फीट से अधिक इसकी गहराई है, डूब के मर सकता है। इधर दिखाओ बच्चे को, बच्चे को थोड़ी तैरना आता है, वो डूब के मर सकता है। तो कहीं ना कहीं घपला है, बहुत ज्यादा घपला है, प्रधान काम नहीं करते। नाला होता तो कहीं ना कहीं पानी चला जाता। नौजवान बुजुर्ग को छोड़िए, नौजवान लोग का हाथ पैर टूट जाता है, गिर जाते हैं बारिश में। अच्छा जी, कुछ महीने कुछ दिनों बाद ही बारिश आ रही है, यहाँ पे जाना मुश्किल हो जाता है। बंद है अपने अपने घर में, सब लोग आता है, और ये जो पानी का जो बहाना बहुत जरूरी है। सरकार से हम लोग निवेदन कर रहे हैं कि सरकार जो है हम लोगों के पानी का व्यवस्था करे, और जहाँ जीएस हो या जहाँ बंजर हो वहाँ पे जो है गड्ढा खुदवाया जाए। ये देखो, ये है समस्या, बड़ी है कि हमारे ग्राम के प्रधान लोग सुनते नहीं है, नाली निकलवाते नहीं है। अगर नाली और नाला का व्यवस्था होता तो पानी नहीं रहता। ये इतना खतरनाक है कि डेली लोग गिर जाते हैं साइकिल लेके। व्यवस्था आदमी गिर जाएगा तो अटपट बोलेगा, जिससे लेकर के विवाद होता चला, क्या इस पर मर्डर हो जाएगा, तभी प्रशासन सुनेंगे। श्रीमान से निवेदन हो कि SDM साहब से निवेदन हो कि लेखपाल के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, कि क्यों नहीं आपके आदेश करने पर भी यहाँ पर आकर मौके के मुआयने किए और इस पर कार्रवाई नहीं की। कौन देता है? अच्छा पैसे कितना रुपया? 50 रुपया घर से लेते हैं। अच्छा 50 रुपए एक घर से? कौन लेता है? प्रधान लेते हैं, मांगते पैसा साफ करा। अच्छा सफाई कर्मी नहीं साफ करने आते हैं सर? अच्छा बता देंगे, सीधा निधर हो जाएगा। मुझे तो अभी तक रोड ही नहीं दिखा, क्योंकि ना जैसे लग रहा है आप जब से बना रहे हैं, आप देख रहे हैं, घूम रहे हैं हमारे ग्राम को, चौहान बस्ती को, ग्राम बुढ़ावे समुद्दीनपुर के चौहान बस्ती में आप घूम रहे हैं, जब से देख रहे हैं, देखे होंगे कितना विकास स्तर तेज है इसमें। एक कचरे का जो ड्रम होता है, बक्सा होता है, वो नहीं है इस गांव में, चौहान बस्ती में, और गांव में है पानी में पौड़ते हो? पौड़ी लकड़ी बूढ़ गई ना छेड़ी बकरी। अच्छा छेड़ी बकरी तुम्हारी, मतलब बकरियों को डूब गई? डूब गई। अच्छा कितना पानी होगा? ये इतना लग जाता है, इधर से कोई सब नहर बन गया, कोई निकलने नहीं देता, हम लोग का घर एकदम बूढ़ के रहा। अच्छा वही 4 फुट ऊपर 4 फुट नीचे, उसके बाद में पानी में, बारिश के पानी में डूब जाना है? डूब जा रहा है। चुनाव आएगा तो फिर से, अभी चुनाव आएगा, मान लो 1-2 साल के बाद चुनाव आएगा, हाँ। तो उनको एक जवाब देना, सब प्रधान आइया करो। अच्छा सर, एक बार कहा था मैं हाई कह देव, 5 जाता तो लुका जाता, 10 बजे जाता, 8 बजे सुतल रहा। अच्छा है प्रधान बाबू है या भाई जागम तुरे घर जो बैठा के मजदूरी करे, नंबर भी दे दे तो नंबर मोबाइल स्विच ऑफ करके रख, दूसरे का मोबाइल दे देता, कहले पर कहा की बेजी है, नंबर बेजी है, क्या करवा, पढ़ा न लिखा, 2-4 बार कहला छिपा के अपने घर में। इधर से दिखा दो, अब मैं एक बार घुस के भी देखता हूँ। बता देना, ये देखो गिर रहा है, पर अंदर जाने खतरे ही है, कोई फायदा नहीं है, अंदर नहीं जाएंगे क्योंकि ये गिर रहा है, यहाँ पे तो कोई सामान ही नहीं दिखेगा, आपको उधर सामान दिखेगा। वोट लेने के लिए? वोट लेने के लिए बार बार आते। अच्छा वोट लेने के लिए, वही बात है प्रधान जी, थोड़ा सा सुनिए, आप भी आ जाते हो वोट के लिए, पर ये भी देख लो कहीं ना कहीं आप ये दिला देते, सरकारी पैसा है, सरकारी पैसा में मान लो ये अप्लाई करते हैं तो ये मिल जाता तो आपकी वोट बढ़ जाती, वोट बढ़ती तो अगली बारी जीत जाते। अब मुझे क्या, अब मैं भी ये भी कहूँगा कि मान लो ऐसी समस्या रहेगी तो अगली बारी गाँव में नहीं घुसने देंगे, ये भी बात है ना? नहीं, वोट भी नहीं। अच्छा वोट भी नहीं दोगे? नहीं। उनको घुसने दोगे गाँव में? नहीं। वही बात है ना, घुसने दोगे। और मैं हूं मनीष चौहान, इस समय आजमगढ़ के हर गांव में घूम रहे हैं और आइए आजमगढ़ का बुढ़ावे ही सामुद्दीनपुर पहुंचे हुए हैं, तो एक तस्वीर दिखा रहे हैं, गांव वाले इकट्ठे हुए पड़े हैं। ये गांव का जो तस्वीर उधर दिखा दीजिए, हर गांव में समस्या का किसी ना किसी तरीके का समस्या होती है, किसी का सड़क का होता है, किसी का पानी का समस्या होता है, तो गाँव वाले सब लोग इकट्ठे हैं, तो सबसे पहले हम लोग बातचीत करेंगे, जो नौजवान होते हैं उनको सबसे नॉलेज होती है क्योंकि वो पढ़ते हैं लिखते हैं, उनको पता होता है, और बुजुर्ग भी बैठे हैं क्योंकि पुराना तजुर्बा उनको होता है। तो सबसे पहले इनका नाम पूछते हैं, क्या नाम है? अवधेश चौहान। अवधेश चौहान, अच्छा इस गांव का पूरा डिटेल, नाम और विधानसभा कौन लगता है? ये आजमगढ़ जिला है और विकासखंड हमारा महाराजगंज है, और महाराजगंज है उसके अंतर्गत ग्राम बुढ़ावे समुद्दीनपुर आता है,
इसमें विकास का कोई हिसाब ही नहीं है। विकास हमारे यहाँ बहुत खराब स्तर चल रहा है विकास का, जिसमें आप देख सकते हैं मौके पे कि क्या स्तर है विकास का, जिसपे जनता एकदम उग्रह है कि हमारे गांव का विकास एकदम बेकार हुआ है, कोई विकास ही नहीं है हमारे गांव में। करीब हो गया होगा करीब 15-20 साल से कोई विकास नहीं हो रहा है, जिससे सारे जनता परेशान हो रहे हैं। बारिश के मौसम में और ज़्यादा दिक्कतें आ रही हैं, आदमी अगर कोई बीमार हो जा रहा है तो लेके जाने में बहुत दिक्कत होती है, कोई आदमी गिर जाते हैं बाइक से, साइकिल से, बुजुर्ग लोग तो जिनको हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है, लेकिन सारी परेशानियां झेलते हुए लोग फिर भी इस चीज़ को हमारे ग्राम के प्रधान जो लोग हैं इस चीज़ को ध्यान नहीं देते हैं कि इस स्तर पर विकास किया जाए कि कोई आदमी परेशान रहे। इसी हिसाब से आदमी किसी को प्रधान या मुखिया बनाता है कि हमारे गांव का विकास हो, लेकिन इस पर कोई चर्चा ही नहीं करता है कि विकास हो या ना हो। लेकिन इस चीज़ को मुद्दे पर लिया जाए, मैं यही सरकार से अनुरोध करूँगा कि इस मुद्दे को दिया जाए कि विकास हो इस ग्राम का। अब सबसे बड़ी बात इन्होंने ये कहा कि यहाँ पे मान लो कोई मरीज आ गया और मरीज कैसे लेके जाएंगे यहाँ पे, मैं देख रहा हूँ वहाँ से जब चल के आए या इस रोड से भी चल के आओगे तो वहाँ पे क्या होता है कि खड्डा खुड्डी इतना है कि मतलब आप लोग चल ही नहीं पाओगे। मोटरसाइकिल की बात करें तो मोटरसाइकिल भी वो भी नहीं चल पाएगा, और मान लो मरीज को लेके जाएंगे तो गाड़ी से लेके जाएंगे, तो गाड़ी से लेके जाओगे तो कैसे लेके जाओगे, आधे रास्ते में जाते जाते उसका तो काम ही हो जाएगा। तो धीरे धीरे चलते हैं, आगे के चलते हैं सब लोग। आओ मुझे गांव भी दिखाओ, इधर महिलाएं भी हैं, महिलाओं से भी बात करेंगे। और ये सड़क एक बार नीचे दिखा दो सड़क की, क्या कैसा दिख रहा है सड़क, एक इधर से इतना है और आधा फुट इधर से भी देख लो, एक फुट तो इधर भी खड्डा होगा। तो ऐसे तो हमें और भी रोड दिखाते रहेंगे, यहाँ महिलाएं हैं, महिलाएं से बातचीत कर लेते हैं। ये भैया मत पागल लगने मत। ते यहाँ पे महिलाएं, क्या नाम है आपका? अच्छा, इस गांव में खड्डा खुड्डा है, सड़क का समस्या है का है ना? अच्छा, समस्या गड्ढा गुड्ढी है भैया, के तनी उच बना ले था अपने दुआरे के एकदम खाल कर दे था, पड़े का पानी ऊपर घर ही में रह जाई बरसात का, कहाँ जाई। अच्छा, वो तो चलो अपने घर का जितना होता है कि पानी मेरे घर में ना आए, मेरे घर में ना आए, इसलिए वो अपना ऊंचा कर लेते हैं ना, यही होता ना। अच्छा, तो आपका घर वो वाला है ना, तो यहाँ पे जो जैसे मान लो कोई बीमार उमार होता है तो उसको कैसे लेके जाते हैं? कैसे लेके जाए, जब गड्ढा गुड्ढी पड़ा तो कैसे लेके जाए, झगड़ा जाए कैसे जाए, जब रोड सही रहा कैसे जाए। तो कहीं ना कहीं ये समस्या महिलाओं की तरफ से भी, चलते हैं धीरे धीरे आगे चलते हैं। इधर भी देखो कितना मतलब लोग घूम रहे हैं और आ रहे हैं, कि जैसे जैसे लोग आ रहे हैं यहाँ पे यही मौजूद है। क्या नाम है आपका? अच्छा वीरेंद्र जी, ये जो सड़क की बात करें तो सड़क की समस्या कैसे है? हमारे गाँव की सड़क की समस्या बहुत खराब है, कोई भी प्रधान होता है या 15 साल से कोई भी प्रधान इसे चौहान बस्ती में कोई काम नहीं करता है। अगर काम भी करता तो सेक्रेटरी और प्रधान मिलकर सब गमन कर जाते हैं, कागज में दिखा देते हैं काम, लेकिन कोई काम नहीं होता है। काम तो इसमें बहुत दिखाया गया है, अगर दिखाया जाए तो सब फर्जी है काम हुआ, लेकिन जमीनी स्तर तो कोई काम नहीं हुआ। अच्छा, फर्जी की बात करें जैसे कि मान लो ये रोड है, कागज में काम हुआ पड़ा है कि मतलब पूरा बन चुका है ये रोड, लेकिन कोई भी काम नहीं हुआ है। उसका रिकॉर्ड भी हम निकाले थे, लेकिन तो कोई आरटीआई थ्रू, हाँ आरटीआई नहीं, वो निकलता है कि कौन कौन काम आ रहा है। अच्छा, मतलब कितना काम हुआ चुका है? हाँ, हो चुका है, लेकिन कोई काम नहीं हुआ, केवल अच्छा। दिखा करके पैसे ले निकाल लिया गया है सिगरेट प्रधान द्वारा, लेकिन कोई काम नहीं होता है। जब बारिश है कागज मेंटेन किया जाता है कार्य योजना में, कि कागज मेंटेन हो गया है, कार्य हो गया है, इस स्तर पे बात की जाती है, लेकिन यहाँ विकास कोई स्तर का नहीं होता है, बस यही मुद्दा यहाँ पे है। अच्छा, ये चौहान बस्ती इतने नीचे चली गई है विकास के मामले में, यहाँ कोई विकास, कोई भी अधिकारी भी आ सकते हैं, देख सकते हैं मौके की स्थिति क्या है। तो ये ग्राउंड रिपोर्ट में दिखा रहा हूँ रियलिटी, कागज में ये सब सड़क पूरा एकदम दिखाया गया कि पूरा सड़क बन चुका है, और नाले की बात करें, नाला यहाँ पे तो मेरे को एक भी नहीं दिख रहा। नाले तो नहीं है, जो भी बने हैं वो गांव के बीच में हैं, वो भी पटे हुए पड़े हैं। अच्छा, नाला नहीं है। अच्छा, नाला वो फिर कहाँ निकलता है? कहीं काफी दूर जाता है, करीब 1.5 किलोमीटर। अच्छा, 1.5 किलोमीटर दूर जाता है, लेकिन वो भी पूरे तरीके से काम नहीं हुआ है। अच्छा, फिर वो 50% पे रुका हुआ है। तो पानी वानी मान लो वो पानी फिर कहाँ जाता है, उसका कोई पता नहीं लगता, पानी घरों का पानी कहाँ जाएगा? घरों का पानी अपने अपने सब जमीन में गड्ढा खोद करके, अपने खुद को गड्ढा खोद करके पानी अपने अपने घर का ही, अपने घर का ही गड्ढा खोद करके, अपने जमीन में गड्ढा खोद करके, हर एक परिजन के व्यक्ति लोग
अपने पानी को अपने ही घर में जमीन में बहवाते हैं। सब लोग यहाँ पे भी बोलते हैं कि हाँ सुविधा मिल रहा है सरकारी योजना के तरह से, लेकिन वो सब कुछ नहीं है। हमारे ग्राम सभा में कुछ नहीं है, ग्राम सभा के चौहान बस्ती में कुछ नहीं है। तो धीरे धीरे चलते हैं, आगे आगे चलते हैं, दिखाते हैं सड़क। एक बार सड़क दिखा दो, यहाँ लंबे पूरा देखे तो सही, पूरा सड़क दिखाओ इधर तक। तो सड़क देख सकते हो, ये सड़क है और एक तरफ इधर भी यहाँ कुछ ना कुछ तो दिख रहा है, मतलब डमरू लगा हुआ है। इस साइड दिखाना, इस साइड तो देखो डमरू लगा हुआ। और ये रोड दिखा दो एक बार, इधर से एक रोड है, आगे जाके मेन रोड पे मिलता है, आगे जाके शहर आ जा, अरे मतलब बाजार आ जाता है। तो ये ऐसे तरीके से जाएगा, तो एक तरह से हम लोग गाँव की तरफ अब जा रहे हैं। गाँव की तरफ में अब एंट्रेंस है, ये गाँव का, यहाँ से घर स्टार्ट हो चुके हैं। तो एक तरफ ये देख सकते हो खड्डा खुड्डी, और एक तरफ से देख सकते हो ऊंच खाल, जैसे कि वो लोग कह रहे हैं कि ऊंचा खाल है क्योंकि बारिश का पानी यहाँ रुकेगा तो वो अपना जगह तो ऊंचा करेगा ही करेगा। तो ये इधर भी दिखा सकते हो एक बार, इधर भी दिखाओगे, इधर दिखाइए, इधर भी मतलब पानी जे आती है बरसात तो पानी कहाँ रुकेगा, कहाँ निकलेगा और कैसे जाएगा। कहीं ना कहीं लोगों की तरफ से कह रहा है कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो घपला है कहीं ना कहीं। तो ये देखो अभी यहाँ पे थोड़ा सा मुझे ईंटें नजर आ रही हैं, थोड़ा सा ही दिख रहा है, पर ये अब ये जो ईंटें हैं, ये जो ईंटें लगी हैं, ये घर के खुद ने बनाए कि प्रधान ने बनाए? नहीं नहीं, ये आजू बाजू इस रोड के आजू बाजू घर है जिन व्यक्ति का, उन्होंने खुद अपना पैसा लगा करके मिट्टी पटवाया और ईंटा खुद अपने लगाया। अच्छा ये एक बार दिखाओ तो सही, एक बार ये दिखा सकते हो। देखो ये जो ईंटें है ना, ये ईंट जो, ये जो आस पड़ोस में जो घर है ना, वो घरों का खुद का है। ये मिट्टी डालकर उसके बाद ऊंचा करके फिर ईंटें अपने पैसे से, ना कि सरकारी पैसे से। पर सरकारी पैसे की वही बात करते हैं, सरकारी पैसा प्रशासन और सरकार वहां से पैसा देती है और नीचे आते आते कहाँ चली जाती है ये भी बात कर लेते हैं। पैसा कहाँ जाता होगा? पैसा यहाँ के जो कार्यकर्ता है, जैसे कि प्रधान जी हैं, वो बता सकते हैं ना कि इस कार्य योजना का पैसा कहाँ गया, किसके खाते में गया। जितने अधिकारी हैं ब्लॉक पे हमारे विकास खंड में, वो बताएंगे ना कि हमने मेंटेन तो कर दिया, पेपर वहाँ रिकॉर्ड पेश कर दिया कि हाँ हमारा काम ग्राम सभा का सब ओके है। इसी मौके का जो है कि कार्य योजना का हिसाब निकालें, देखें कि क्या है। ये व्यक्ति जिसका घर है बाजू में, वो उन्होंने किया है कि दूसरे ने किया, कि यहाँ की ग्राम प्रधान ने किया है। जो कचरा भी इसमें कचरा का जो कूड़ादान बना है, कूड़ादान जो बना, कूड़ादान बना है, सात पूरा हमारे ग्राम बुढ़ावे सामुदिनपुर में सात बस्तियाँ हैं। अब सात ग्राम है, गाँव है जिनमें ये चौहान बस्ती में कितनी पेटी रखी हुई है कचरा की, हमको बता दें। इस समय एक कचरे की बात मैं कर रहा हूँ, ये तो रोड है, इसका तो नहीं हो पा रहा है, कचरे की पेटी कहाँ पे रखे हैं वो, उसमें भी घपला। वही तो मैं कह रहा हूँ ना कि ये कहाँ पे रखे हैं लोग, अच्छा तो बता दें। अच्छा ये जो गड्ढा है ये वाला इधर, ये गड्ढा दिखाओ, ये गड्ढा किसका है? ये गड्ढा जिनकी जमीन है, उन्होंने खुद अपनी पानी अपने गड्ढे जमीन में खोद करके अपना पानी बहवा रहे हैं। अच्छा अच्छा, जो वही नाला होता तो कहीं ना कहीं तो चल नाला रहता तो आदमी को विकास का इंतजाम मिलता कि हाँ विकास हो रहा है, अच्छा है, और उस पे जोर दिया जाता कि हाँ चलिए हमने इसका सपोर्ट करेंगे कि हाँ हमारे गांव का विकास अच्छा हो रहा है, अच्छे स्तर पे चल रहा है। लेकिन यहाँ विकास क्या और खराब हो रहा है, विकास स्तर यही बात है। अब यहाँ एक फुट ऊंचा था तो अब ये दो फुट और ऊंचा, क्योंकि 10-15 फुट के एरिया में देखो, देखो हाँ 10 वही 5 थोड़ी सी कदम पे चलोगे तो आपको ऊंचा नीचा दिखाई देगा, क्योंकि यहाँ बारिश के पानी रुकते हैं। बारिश के पानी से कहीं ना कहीं बात करें, अच्छा ये बारिश का जब पानी आता है तो कहीं ना कहीं पैर टूटता है, किसी ना किसी का पैर टूटता होगा। ये तो जैसे जब प्रधान नहीं के काम सुनते हैं करने के लिए, तो उनकी व्यवस्था है कि हमारे जिसके द्वार पर पानी रुकेगा वो अपना ऊंचा करेगा, तो अपना अपना जो जैसा समझ रहा है उसे कर रहा है, उसी हिसाब से। न कोई प्रधान सुनता है, न कोई कहना है, यहाँ महाप्रधान सुनता है, न प्रधान सुनता है। तो प्रशासन से मैं ये निवेदन करूंगा कि इस ग्राम की हालत देख करके यहाँ पर इस एक मोटरसाइकिल भी आ रहा, मोटरसाइकिल भी दिखा दो एक बार, मोटरसाइकिल एक बार लेके जाना, मोटरसाइकिल दिखाना। तो एक बार देख सकते हो मोटरसाइकिल कैसे ऊंचा नीचा जा रहा है। देखो कहीं ना कहीं जे पकड़ नहीं रहेगी तो गिर भी सकता है बंदा, ठीक है। तो अच्छा ये रोड की बात कर रहा था, कुछ ना कुछ अभी एक कल डॉक्टर साहब हमसे मिले थे, जो डॉक्टर साहब अभी बाहर से जा रहे हैं, कल हमसे मिले थे तो इस विकास के बारे में मुद्दा हमसे किए उठाए कि क्या आपके गांव का यही कंडीशन हमेशा रहता है। मैं डेली आता हूं आपके ग्राम सभा में, जो ये चौहान बस्ती है ये डेली इसका कंडीशन वही रहता है, कभी कोई शुद्ध से जा नहीं पाता मार्केट के लिए कि कोई सब्जी वगैरह खरीद के लेके आए शुद्ध बस अपने घर पे नहीं।
कोई स्कूल का बच्चा भी जा रहा है गाड़ी से पढ़ने के लिए, लेकिन जा नहीं पाते हैं। मैं ट्रैक्टर बुला करके गाड़ी खिंचवाता हूँ यहाँ पे। अच्छा ट्रैक्टर अच्छा, मतलब करके गाड़ी खिंचवाता। अच्छा, आपका ट्रैक्टर है। हाँ, अब मान लो कोई ट्रक या गाड़ी गुड़ी फंस जाती है तो आप? हाँ निकालता हूँ। अच्छा, हाँ निकालता हूँ, डेली का काम है। अच्छा, कोई भी बंदा अगर गाड़ी लेके बाहरी आके फंस जाते थे अपने गाँव को, तो मैं निकालता हूँ। अच्छा, ये कंडीशन हमारे विकास का। हाँ, तो ये कहीं ना कहीं देख सकते हो, जब कोई गाड़ी या कुछ ना कुछ धीरे धीरे चलते रहो, गाड़ी जब यहाँ पे मान लो, क्योंकि सड़क की खस्ता हालत है, मतलब एकदम देख ही सकते हो, क्योंकि ये रियलिटी है। मैं जो भी जितनी भी वीडियो बनाता हूँ ना, एकदम रियलिटी, ना कि इधर उधर करके मैं तुम्हें दिखा दूँ। अब इधर भी देख सकते हो, एक ये भी देख सकते हो, एक तरफ से बड़ा मकान बना हुआ है, तो दूसरी तरफ देख सकते हो पानी कैसे जा रहा है। जी यही नाला होता है, नाले की तरफ से अपना पानी कहीं ना कहीं चला जाता है एडजस्ट होके, पर ये अब अपने बगल में ही इतना थोड़ी सी जगह छोड़ छोड़ के कहीं ना कहीं पानी यहाँ पे। अब बात करें बीमारियों की, यहाँ से मच्छर पैदा होंगे, मच्छर पैदा होने के बाद यहाँ पे छोटे छोटे बच्चे, एक तरफ बच्चों का भी फोटो दिखा सकते हो, छोटे छोटे बच्चे हैं, खेलते हैं कूदते हैं, तो मान लो किसी ने मच्छर डेंगू वाला मच्छर काट लिया, तो डेंगू भी कहीं ना कहीं फैल सकती है। ये है बीमारियों का घर, मतलब ये जे वही बात करें पानी, पानी की भी समस्या बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। तो अब यहाँ पे माता जी हैं, माता जी से भी बात कर लेते हैं। माता जी नाम राम राम, ठीक हो? पानी एक बात है, ये पानी जो है, पानी की समस्या है कहीं ना कहीं? हाँ। अच्छा अच्छा, खाना नहीं खाई क्या? तो नाला वाला बनाओ चाहते हो? अच्छा दतवन कर रहे हो, तभी आवाज़ नहीं निकल रही है। नहीं बोलो बोलो, जैसे मान लो अब ये पानी है, जब नाला रहता तो पानी कहीं ना कहीं चला जाता ना। कहाँ यार निकल के जाए? अच्छा कहीं पानी निकलने का है ही नहीं यार, मालूम तो होगा कहीं। तो ये जब मान लो नाला होता तो पानी निकल ही जाता, अब ये अपने घर में बीमारी, मतलब अब अपने अपने घर के सामने ही निकाल रखा है, तो कहीं ना कहीं बीमारी तो घर बनता है ना। तो ये माता जी थे, तो इनसे ही बातचीत किए। अब देख सकते हो यही हर, ये गांव की समस्या नहीं, हर गांव की समस्या है। और कई कई तो गांव जहां के प्रधान और वहां के जो प्रशासन पूरा टाइट होता ना, तो वो गांव, तुम्हें पता है सबसे ज्यादा चौहान बस्ती की समस्या है। जैसा कि चौहान बस्ती में एक ग्राम जो है बुढ़ावे शामुद्दीनपुर के अंतर्गत आता है, और इसमें चौहान बस्ती है जहाँ पर काफी समस्या है रोड का और यहाँ पर नाली का समस्या है। अब वो नाली जो है, अब जैसे मान लो वही मैं बीमारी की बात करता हूँ, अब यहाँ पे पानी है, कम से कम कितना फुट पानी होगा? ये लगभग 3 फीट से अधिक पानी भरा हुआ है। तो वही बात है, बच्चों से खेलते तो यहाँ पे गिरने का भी डर है। अभी छोटा बच्चा है, 2.5 फीट का ये बच्चा होगा, 3 फीट से अधिक इसकी गहराई है, डूब के मर सकता है। इधर दिखाओ बच्चे को, बच्चे को थोड़ी तैरना आता है, वो डूब के मर सकता है। तो कहीं ना कहीं घपला है, बहुत ज्यादा घपला है, प्रधान काम नहीं करते हैं। अब वही बात है, जे मान लो ये पानी नाला, वही नाला मान लो अब अपने वहाँ पे शहरों में तो नालियाँ होती है, नाली से और सीवरेज होता है, उससे पानी चलता रहता है, पर गांव में अभी भी नाला होता तो कहीं ना कहीं पानी चला जाता। नौजवान बुजुर्ग को छोड़िए, नौजवान लोग का हाथ पैर टूट जाता है, गिर जाते हैं बारिश में। अच्छा जी, कुछ महीने कुछ दिनों बाद ही बारिश आ रही है, यहाँ पे जाना मुश्किल हो जाता है। अच्छा अच्छा अच्छा, जैसे पानी अब बारिश आ गई तो पैर तो तिल से गया, और मान लो मोटरसाइकिल भी जाता है, मोटरसाइकिल भी गिरने का डर, बहुत लोग गिरते हैं। अच्छा वो भी गिर जाता है? बहुत गिरते हैं। अच्छा अच्छा, तो यही कहीं ना कहीं एक, मैं वही बात फिर से कहूंगा, कहीं ना कहीं घपला है, ये रियलिटी है। अब मैं इसमें क्या दिखा सकता हूँ, मैं जितना दिखा रहा हूँ वो रियलिटी है सारा कुछ। यहाँ पे लोग बैठे हुए हैं अपने घर के बाहर, और वो भी कह रहे होंगे, इनसे भी बातचीत में करता गया मैं, कह देखो तो सही क्या यहाँ के गांव की समस्या, रोड की तो समस्या है ही है, ये नाली का भी समस्या है। और बातचीत में पहले भी किया था तो वो कह रहे थे कि कागज में ये पूरा रोड पूरा मुलायम है, मतलब एकदम पूरा साफ है, कि मतलब ये रोड बन चुका है सरकारी कागज में, पर सरकार या प्रशासन वो तो अपना देखती है कि कागज में बना है, पर बना हुआ है तो अब रियलिटी मेरी तरफ मैं दिखा रहा हूँ रियलिटी, और गाँव वाले बोल रहे हैं कि यहाँ पे अभी तक सड़क की समस्या ही समस्या है। अब धीरे धीरे चलते हैं, इधर भी रोड दिखाएंगे, बुजुर्गों से भी बातचीत करेंगे। अब बुजुर्ग ये है, दतून कर रहे हो? अच्छा अच्छा अच्छा, गांव का जो बात करें, सड़क दिखाया। अच्छा यहाँ पे डमरू स्टार्ट हो गया? हाँ डमरू लगा है। अच्छा डमरू अब बढ़िया ये लगा हुआ है, मतलब ऐसा रोड हो रहता तो कहीं ना कहीं तो सही रहता ना। हाँ
डमरू लगा है, इसमें जो है खाली नाले की जो है व्यवस्था यहाँ पर नहीं है। और जो है पहले जो है बारिश होता था कि हमारे गांव का पानी जो है सिकंदरपुर होकर के निकलता था, ठीक है। और जो वो जो पानी जो है रुक गया है, तो उसकी वजह से जो है हमारे गांव में पानी का एकदम बहाना खिना बंद है। अपने अपने घर में सब लोग बहाता है, और ये जो पानी का जो बहाना बहुत जरूरी है। सरकार से हम लोग निवेदन कर रहे हैं कि सरकार जो है हम लोगों के पानी का व्यवस्था करे, और जहाँ जीएस हो या जहाँ बंजर हो वहाँ पे जो है गड्ढा खुदवाया जाए। अब वो जैसे मान लो, अब ये रोड से मेरे को अच्छा लगा, जी रोड होता इसके बगल में नाला होता तो पानी जाता तो कहीं ना कहीं सही रहता कि नहीं? सही रहता है ना। अगर हमारे गांव में अगर कहीं जीएस है तो उसको नकवा द्वारा जो है चेक करके किसकी माने शिक्षक में मालिया ज्यादा है, आबादी है, जीएस है, उसमें जो है गड्ढा खोद करके किनारे गाँव का पानी जो है निकाला जाता है। अच्छा, एक ये रोड है, अब ये भी कहीं ना कहीं तो जाता होगा पानी, सब जो है इसी रास्ते सब जाता था। अच्छा अच्छा, पानी जो है ये सब जो है सब पानी इसी रास्ते जाता था, और जो है सब ना रहने के नाते से पोखरी पोखरा नहीं ना रहने की वजह से जो है हमारे यहाँ गांव का पानी जो है इसी रहता है। अब अच्छा, यहाँ पे कितने घर होंगे इस रोड से जाने से? यहाँ तो लगभग 70 घर का होगा। अच्छा, 70 घर यहाँ से जाते हैं पूरे गाँव। एक तरफ ना तुम वो दिखा दो कि पानी कितना है, रोड दिखा दो एक बार, तो मैं एक रोड दिखाऊंगा। यहाँ पे रोड है, हर गांव में ऐसी ना कहीं ना कहीं समस्या है। अब ये रोड है, यहाँ से कम कह रहे हैं कि 60-70 घर इधर है, और ये पानी है यहाँ पे भी पानी की समस्या, और ये नाला होता तो कहीं ना कहीं पानी चला जाता, यही बात है। अब यहाँ से मोटरसाइकिल जाएगा, एक बार कैमरा उधर दिखाओ, एक बार उधर आगे जाओ, आप मोटरसाइकिल निकाल के दिखाओ, मोटरसाइकिल निकालेंगे, कहीं ना कहीं दो लोग बैठे हैं, मान लो महिला बैठी रहती तो कहीं ना कहीं गिर जाता। ये देखो, ये है समस्या, ये नाला होता है। वही बात है, उससे नहीं निकल पा रही है एक बाइक, मुझे से नहीं निकल पा रही है, तो फोर व्हीलर की क्या बात करें, पैदल जाना मुश्किल है, तो फोर व्हीलर की बात कर रहे हैं। अब वही दिखा रहे हैं, मैं क्या दिखाऊं तो सही, कैसे चार जाने निकल, चार लगता निकलेगा। ये जो ना ये जो अच्छा एक और चीज, हाँ ये चीज, जैसे इसकी जैसे मान लो हर गाँव में कहीं ना कहीं नाली के नाला होता तो निकल जाता, पर ये सबसे बड़ी गड़बड़ी है कि हमारे ग्राम के प्रधान लोग सुनते नहीं है, नाली निकलवाते नहीं है। अगर नाली और नाला का व्यवस्था होता तो पानी नहीं रहता। ये इतना खतरनाक है कि डेली लोग गिर जाते हैं साइकिल लेके। मैं तो इस पर मतलब ये जो जमीन ये बगल के हमारे पड़ोसी है, ये पानी इनको मजबूरी है, पानी गिराते हैं, इनको समझाया जाता है, कभी काल गुस्से में कुछ लोग बोल भी देते हैं, लेकिन की व्यवस्था की नाला नहीं है, और कहना है थोड़ी भी इनको चाहिए कि ना और एक सुख्ता बनवा ले। मैं इस पे SDM साहब को एप्लीकेशन भी दिया हूँ, 15 मार्च को SDM साहब ने स्वीकार किया, हाथों हाथ दिया। SDM साहब ने फिर कहना, फिर शुक्र शनिवार को लेखपाल मेरे यहाँ फोन किए कि आपने SDM साहब को एप्लीकेशन दिए हैं। मैंने कहा हाथों हाथ SDM साहब का एप्लीकेशन दिया हूँ, तो कहे ठीक, मैं आऊँगा, उसको देख करके मुआयना करूँगा। तो लेखपाल तब से आए नहीं, और पता नहीं कहाँ बिजी है, लगभग आज आज तो हम जाते हैं मार्च चल रहा था, मार्च से लेकर के जून 13-14, आज 14 जून है, 14 जून हुआ तब लेखपाल डेली इस गांव में घूमता है, और कहना है तीसरे चौथे आता, लेकिन इस समस्या के लिए SDM के आदेशानुसार करने के भी लेखपाल नहीं आए। और यहाँ की समस्या यहाँ तक है कि व्यवस्था, आदमी गिर जाएगा तो अटपट बोलेगा, जिससे लेकर के विवाद होता जाएगा, क्या इस पर मर्डर हो जाएगा, तभी प्रशासन सुनेंगे। श्रीमान से निवेदन हो कि SDM साहब से निवेदन हो कि लेखपाल के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, कि क्यों नहीं आपके आदेश करने पर भी यहाँ पर आकर मौके के मुआने किए और इस पर कार्रवाई नहीं की। अगर कार्रवाई नहीं कर सकते तो जो जो इसको पानी गिरा रहे हैं उनको तो समझाना चाहिए, ना ही प्रधान को कह करके इनको सुखता दिलाना चाहिए। तो मैं प्रशासन और SDM साहब से, जिला अधिकारी साहब से और माननीय मुख्यमंत्री जैसे निवेदन करूंगा कि मेरी समस्या का समाधान जल्द से जल्द किया जाए, नहीं तो इस पे कोई भी आगे समस्या बढ़ सकती है। आवेश में कोई गिरेगा तो उल्टपटांग बोलेगा तो विवाद बढ़ सकता है। तो श्रीमान से निवेदन है कि इनको आकर के नाली की व्यवस्था की जाए, और ना तो उनको कोई व्यवस्था की जाए, लेखपाल को जल्द से जल्द यहाँ से निरस्त किया जाए, क्योंकि लेखपाल ने SDM साहब के आदेश का पालन नहीं किए, न यहाँ करके कोई मौका मुआयना किए। मुझे
और डेली लगभग तीसरे चौथे दिन ग्राम बुढ़ावे चौहानपुर बस्ती में आ जाते। यहाँ पर बगल में ही एक जंगी चौहान का प्रमाइश करने के लिए लेखपाल आए थे, फिर कहना है वहाँ ब्रह्मदेव पांडे के आए थे, लेकिन इस समस्या पे जो आईडीएम साहब ने मुझे मैंने एप्लीकेशन दिया उस पर लेखपाल ने कोई कार्रवाई नहीं किया, न यहाँ पर कोई सूचना दी न कोई की। अजय श्रीमान से निवेदन है कि इस पर जल्द से जल्द नाला बनवाने की कृपा करें और जो जो कहना है ये गलती करा उस पर कार्रवाई करने का कष्ट करें। तो ये कहीं ना कहीं ये भी घपला ही है, सरकारी सरकारी पैसा आता है, ठीक है, और यहाँ पे इन्होंने एसडीएम साहब को भी कंप्लेंट की तो एसडीएम साहब ने उस पर सिग्नेचर करके उन्होंने मार्क कर दिया कि अब आगे फाइल जाएगी। तो फाइल कहाँ जाती है, नीचे जो ऑफिसर बैठे होते हैं ऑफिसर के पास गई फाइल, फाइल जाने के बाद क्या हुआ, जांच, क्योंकि नागपाल जो होते हैं वो जांच करते हैं, वो भी अपने तरीके से एक अधिकारी हैं तो जांच करेंगे, तो जांच करने के बाद क्या होता है उसके बाद वो कहीं ना कहीं समस्या हल हो सकता था। पर अभी इधर चलते हैं, अब इधर की तरफ चलते हैं, यहाँ पे अब रोड देखो, इस साइड रोड नहीं रहा और यहाँ पे डमरू वाला रोड दिख रहा तुम्हें और बढ़िया सा रोड दिख रहा है आपको, तो धीरे धीरे चलते हैं और आगे नाला भी बना हुआ है, मैं देखा हूँ ना नाला भी है आगे, है ना, नाला चलते हैं, नाला भी दिखाएंगे। ये देखो थोड़ा सा गली गुच्ची में घुस गए हैं और देख सकते हो इधर भी साइड भी घर है, इधर भी साइड घर है, और क्योंकि गांव में घुसे हैं तो घर घर दिखेगा ही दिखेगा, और इधर भैंसें भी बनी हुई हैं, और वही बात है नाला मेन समस्या, रोड और नाला, क्योंकि नाला नहीं है तो नाला के कारण ये जो पानी जो है अगर नाला रहता तो पानी जो है सीधे निकल जाता है, इनका ये जो पानी जो है पूरा ही समझता है, अब वही नाले की बहुत जरूरत है, अगर नाला रहता तो ये पानी जो है ये घर के अंदर नहीं समझता। सरकार से हम लोगों का निवेदन है कि नाला यहाँ पे बनवाया जाए। अच्छा नाला जरूरी है, नाला एकदम बिल्कुल जरूरी है नाला। अच्छा अच्छा, तो इधर मैं देख रहा हूँ अभी आगे तरफ जा रहे हैं तो यहाँ पे नाला मेरे को दिख रहा है, नाला है मगर उसे पानी से कोई फायदा नहीं है, पानी उसमें जाता नहीं है। अच्छा ये पानी, अब ये पानी यहीं पे रुका कर रुका ही है, ये पानी जो है सब इधर ही जाके कि नहीं इसमें मकान में जाके क्या लगता है। अच्छा अच्छा अच्छा, तो धीरे धीरे और चलते हैं आगे दिखाते हैं कि कहीं ना कहीं नाला की समस्या बहुत बड़ी है, क्योंकि पानी हर घर के बगल में ही उन्होंने एक खड्डा बना रखा और खड्डे में 2-4 फुट कहते हैं कि वहाँ पे पानी, अब ये यहाँ से अब मैं दिखा रहा हूँ यहाँ पे रोड है तो यहाँ पे एक नाला है, अब ये नाले की तरफ से चलते हैं, धीरे धीरे नाला भी दिखाते हैं कि नाला बना है, कागज में ही बन गया होगा पूरा चकाचक नाला बन चुका होगा, तो नाला का जो है नाला में पानी जा रहा है कि नहीं जा रहा, अब ये भी पूछते हैं नाले में पानी जाता है, पानी तो बड़ी बड़ी जाता है लेकिन जाम भी हो जाता है, जाम हो जाता है लेकिन सफाई कर्मी कभी घूमते भी नहीं है, सफाई कर्मी को आकर साफ करना चाहिए। अच्छा अच्छा अच्छा, जे अब नाला बना है तो इसकी सफाई भी होनी चाहिए, सफाई होगी तो तभी तो पानी आगे जाएगा, अब वहाँ उस गांव में मैंने देखा उधर नाला तो नहीं दिखा मेरे, अब यहाँ से नाला दिख रहा है, अब यहाँ पे पानी पूरा जाम है, दिखा रहा हूँ इधर साइड, अब यहाँ पे एक थोड़ा सा टुकड़ा दिखा रहा हूँ यहाँ पे जाम है, अब ये पानी कहाँ जाएगा, अब यहीं पे रह जाएगा, फिर बीमारी का घर ही बनेगा। अब आगे चलते हैं, धीरे धीरे चलते हैं, दिखाते हैं जहाँ तक जा सकते हैं, आप देख सकते हो ये नाला बना हुआ है, अब यहाँ पे और भी घर हैं, इस साइड कितने घर हैं, 40-50 घर हैं घर हैं। अच्छा अच्छा, लेकिन तो रास्ता नहीं है कोई, वैसे टेम्परेरी रास्ता है, कागज में सब खा जाते हैं, पैसे वैसे खा जाते हैं लेकिन काम नहीं करते। अच्छा अच्छा, और ये जैसे कि मान लो कागज में, वही बात है कागज में ये पूरा रोड बन चुका है, मतलब जो गांव वाले कहते हैं कि रोड एकदम पूरा खड़ंजा ही बिछ गया, वहां पर कुछ दूरी पे देखा है डमरू भी बिछा हुआ है, अब डमरू भी तो मतलब गए बीटीसी थे वो भी कुछ काम किए बेचारे, उन्होंने अपना वो काम किए, वो बीटीसी का ना जितना काम मिले हुआ है तो अपना डमरू लगा दिए, पर वो बीटीसी का तो काम ही नहीं होता, वो तो प्रधान का काम होता है। हाँ तो कहना है जब जितना जो डमरू लगा है वो किना बीटीसी के माध्यम से वो लगा है। अच्छा अच्छा, प्रधान के माध्यम से नहीं लगा है। अच्छा अच्छा, बीटीसी ने अपने जेब से पैसा, नहीं अपने जेब से नहीं, वो मैंने ब्लॉक के मैंने खाते से जो है वो काम करवाया है। अच्छा अच्छा, खाते से कहीं ना कहीं से मैंने सरकारी खाते से हुआ है, मैंने वो प्रधान की जेब से नहीं हुआ है, वो ब्लॉक प्रमुख के जरिए से बीटीसी वाले ने जो है काम करवाया है। अच्छा, अब ये धीरे धीरे देख सकते हो, आगे भी चलते हैं, अब ये देखो, हाँ ये रोड है, अब देखो एक तरफ से दिखाओ एकदम पूरा रोक के दिखाओ, ये रोड है पूरा बढ़िया सा, राइट साइड में, अब ये दिखाओ ये एकदम घास फूस है, कम से कम नाला पटा हुआ है, और ये देखो मैं इतना कितना फुट ऊपर चढ़ गया हूँ, मैं 2 फुट ऊपर है
और 2 फुट खाल है और 2 फुट इधर भी खाल है। उस पे खड़ंजा भी लगा है। और जो अच्छा खड़ंजा भी लगा हुआ है। अच्छा ईटे वाली जो है। अच्छा ईटे भी लगी है ना। हाँ खड़ंजा भी लगा है, उसके बीच में सेंटर पे जो है नाले गए हैं। अच्छा अच्छा। हाँ वो खड़ंजा लगा है, बीच सेंटर पे नाले हैं। अच्छा जी, मान लो यहाँ पे मैं अपनी गाड़ी लेके आना हो तो गाड़ी चल जाएगी मेरी? गाड़ी नहीं जा पाएगी। विकास का स्तर इतना बढ़िया विकास हुआ है, जो हमारे ग्राम सभा के जो प्रधानों द्वारा जो विकास हुआ है, अब इससे बढ़िया विकास कहाँ मिलेगा ये उत्तर प्रदेश में? कहीं नहीं मिलेगा। इतना स्तर पे बढ़िया विकास हुआ है। और जाएंगे अब भी देखेंगे, उन लोगों से बात करेंगे, पूछेंगे तो बोलेंगे इतना स्तर बढ़िया हमारा चला है विकास का, कोई लेवल ही नहीं है। अच्छा अब वही बात है, सरकार तो सरकार और प्रशासन जो होता है ना वो तो अपने तरीके से पैसे दे देते हैं, फाइल भी बन जाता है, फाइल उनके पास आती है, फाइल में तो ओके रिपोर्ट है, मतलब सड़क बन चुका है, वो तो सरकार का कोई मतलब गुना ही नहीं है, क्योंकि सरकार तो पैसा दे देती है, क्योंकि सरकार हर गांव में तो देखेगी नहीं, और देखेगा कौन? प्रधान और उनके जो है प्रशासन हो गए, अधिकारी हो गए, वही देखेंगे ना, वही देखेंगे। प्रशासन है, प्रशासन। हाँ एक इधर भी रोड है, इधर भी दिखाओ, इधर इधर रोड भी दिखाओ यार, ये भी जरूरी है। रोड गायब है, इधर रोड गायब है, इधर रोड बहुत पहले था, मकान बना के लोग कब्जा कर लिए हैं, लगभग यहाँ पे 12-13 फीट चौड़ा रोड था, और अपना जो गांव के प्रधान हुए थे सुनील राणा, उसने कुछ कब्जा कर लिए, लगभग 4-5 फीट बढ़ा लिए हैं यहाँ पे, लगभग अभी इस समय मौजूद हो गई है 7-8 फीट होगा, लगभग 12-13 फीट चौड़ा। ये भी नाली की समस्या को जैसे कहना है, ये भी नाली है, नाली है, लेकिन जो नाला ना है उन्हें को जैसे सारा बिल्डिंग में पानी घुसता है। अच्छा अच्छा अच्छा, ये नाली है और इधर भी चलते हैं। अब इधर से कम मैं कितने फुट पे हूँ? मैं ये तो 3 फुट ऊपर है, 3 फुट है। अब धीरे धीरे रास्ता है, ये भी रास्ता है, ये भी रास्ता है, लेकिन कोई बना नहीं है उसे। अब ये देख लो 3 फुट ऊपर था, धीरे 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 करते 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 मैं नीचे आ रहा हूँ। अब नीचे देख सकते हो कितने फुट नीचे आ गया मैं, 4 फुट नीचे आ चुका हूँ मैं। अब एकदम प्लेन है, कोई रोड नहीं बना है, कहना है प्रधान गाँव में कोई रोड नहीं बना। तो ये रोड देख रहे हो, रोड को अब यहाँ से अब आवास की बात करें, आवास ये भी एक घर है, घर में लोग रह रहे हैं। अब ये सड़क देख रहे हो, सड़क भी है, सड़क से अब जा रहे हैं, अब इधर तरफ से आते हैं, अब ये कच्चा सड़क है, अब यहाँ पे उतरेंगे कम से कम कितना फुट नीचे आ रहे हैं? 4-5 फुट, 5 फुट नीचे आ चुका हूं मैं। अब वो सड़क उतरी है, अब ये घर में आएंगे, अब धीरे धीरे आओ घर में। कौन कौन है, क्या नाम है आपका? अच्छा तो ये आपका घर है? हाँ जी हमारा घर है। अच्छा आपका घर है? हाँ। तो गर्मी पूरी हो रही है? गर्मी तो पूरी हो रही है, करकट है, 3-5 फुट हाइट है इसकी, तो गर्मी नहीं होगी। अब 5 फुट नीचे तक अंदर ऊपर रोड है। अच्छा वो कितना फुट का है? 5 फीट, 5 फुट। बारिश में घर में पानी घुसता है कि नहीं? हाँ वो भी पूछेंगे। अच्छा अब ये जैसे मान लो रोड 5 फुट है, फिर बारिश होती होगी तो बारिश का पानी तो पूरा घर में ही जाता है। अच्छा मान लो इसमें आपका राशन पानी होगा सब कुछ? सब भीग जाता है। सब भीग जाता है, फिर उस टाइम कहीं ना कहीं मान लो सोने का कहीं आस पड़ोस में बनाते हो कि क्या करना होगा? कहीं नहीं बनाते हैं, इसी बाहर में सोते हैं, क्या करेंगे? अच्छा बाहर सोते हो फिर। तो 5 फुट सड़क ऊपर है और ये कम से कम नीचे है, बहुत ज्यादा 5 फुट नीचे है, सड़क से मिलाएंगे तो सड़क के लेवल हो जाएगा। अच्छा ये सड़क के लेवल पे आ जाएगा ये? हाँ इससे मिलाएंगे तो। अच्छा अच्छा, अब मान लो आवास उवास की बात करें, आवास अप्लाई किए थे? किए थे, बहुत किए थे, लेकिन कुछ मिला नहीं अभी तक। नहीं मिला? नहीं। शौचालय भी नहीं मिला? वो भी नहीं मिला? नहीं मिला। तो मान लो अब जैसे मान लो अप्लाई किए थे, कहाँ अप्लाई किए थे? ये सुनील चौहान के पास किए थे, शायद कागज होगा जैसा कि सब हटाव कर दिया। अच्छा मतलब इधर उधर कर देता है वर्तमान प्रधान के लिए। तो अब जैसे यहाँ पे मौजूदा जो प्रधान है इंद्र सेन है, वो उनका उसको भी किए है, बड़ा ऑनलाइन करवाइए, अभी तक उसका कागज का कोई पता नहीं। अच्छा अच्छा, वो भी आधार कार्ड सब जमा हुआ है, सब ठीक हो गया। अच्छा वहाँ जमा है फिर भी गायब है? गायब है, नहीं मिला भी। अच्छा अच्छा, तो ना शौचालय है ना आवास है ना कुछ नहीं। तो ये है गांव की समस्या, कम से कम 5 फुट नीचे होऊंगा मैं। अब आगे चलते हैं, यहाँ पे भी दिखाते हैं, इतना घर है और भी यहाँ पे लोग हैं, कम से कम 5 फुट ऊपर जाना पड़ेगा। अब देखो यहाँ चलते हैं, अब आगे तरफ कहीं ना कहीं जो मतलब सड़क दिखाए, आवास भी दिखा रहे हैं, शौचालय भी दिखा रहे हैं, इधर भी लोग, इधर भी देखो इस साइड देख सकते हो, तो कहीं ना कहीं घपला हो रहा है। अब यहाँ से आप नीचे उतरेंगे, हम उनके घर की तरफ जा रहे हैं, यहाँ पे बजड़ी उजड़ी है पर किसी और का है, बातचीत करेंगे कि यहाँ पे भी आवास वास मिला है कि नहीं मिला है। यहाँ पे बातचीत करते हैं, बाबा वाबा मौजूद हैं, बातचीत करते हैं।
ये बताइए क्या नाम है? यानी जोर से खाना ना नहीं खाएगा? अच्छा, ये बताओ कि कहते हैं यहाँ पे आपका घर है, तो आवास आवास मिला है? नहीं, शौचालय? शौचालय तो वो मिला है। अच्छा, शौचालय मिला हुआ, वो अप्लाई किए थे? तो अच्छा ये बताओ, आवास आवास अप्लाई किए थे तो कहीं पैसा वैसा इधर उधर तो नहीं हो गया? बोला अभी हम ना पता, वो प्रधान है थे। अच्छा अच्छा, कितनी बारी भरे थे? दो बार भरे थे। दो बार भरे तो एक भी आए नहीं। अब तीसरी बार भरना है कि नहीं? भर ले जाए। अच्छा अच्छा, भरोगे? अच्छा, अब वही बात है, आवाज नहीं आया है ना, तो अब बातचीत करते हैं। अच्छा, किसका घर है? करमचंद। अच्छा, तो अब इनसे ही बातचीत कर ले। कहाँ नाम है बाबा? राम केवल चौहान। अच्छा अच्छा, पीछे हो जाओ। अच्छा, जैसे कि मतलब अब ये घर है, गांव में कितने लोगों को आवास नहीं मिल चुका? आप भी घूम रहे थे मेरे साथ, तो आवास कितने लोगों को नहीं मिला होगा? आवास जो आवास लायक है उनको, बहुत लोग को आवास नहीं मिला। अच्छा अच्छा, कोई कोई को दे दिया है, और बहुत लोग आवास से वंचित है, नहीं मिला। अच्छा, आवास नहीं मिला है। और वो आवास के योग्य है वो लोग। अच्छा अच्छा जी, अब जैसे ये भी दिखाया, कम से कम वहाँ पे मैं अभी गया था, 5 फुट नीचे घर है उनका, तो वो भी गर्मी में बैठे पूरा भीजे हुए हैं, अब कहीं ना कहीं उनको भी आवास की जरूरत थी। सबको, हाँ उनको जरूरत है। और फिर रोड से नीचे है, बारिश में पानी सब घर में भर जाए, बहुत दिक्कत है। और आवास चाहिए उन लोग। अच्छा, आवाज जरूरी है। हाँ। और अच्छा, आवाज कई लोगों को मिल चुका है, और वो फिर किनको मिला है वो आवाज? वो गांव में 2-4 लोग को मिला है, बाकी सब वैसा ही है। अच्छा अच्छा, वो ऐसे ही है। तो कहीं ना कहीं फिर वही बात है, कहीं ना कहीं घपला हुआ है। सड़क में भी घपला हुआ है। नाला वाला कुछ नहीं, सड़क वड़क कुछ भी नहीं, आप तो देख ही रहे। अब वही बात है, आपसे यही पूछूंगा कि मतलब मैं सड़क पे जा रहा हूँ, कहीं 4 फुट, कभी 5 फुट, कभी 2 फुट, अब मान लो कहीं गाड़ी में लेके घुसूं तो कहाँ, मतलब मेरी गाड़ी तो ऐसे ऐसे हो जाएगी। हाँ, स्लिप होके गिर जाते हैं बहुत लोग। फिर एक जाने का ट्रैक्टर भी था, ट्रैक्टर का भी, ट्रैक्टर फिर धक्का धुक्का लगा के निकालते। तो ये है समस्या। अब समस्या में यही बात चल रही है कि कहीं ना कहीं आवास खा गए, कहीं शौचालय खा गए, कहीं रोड खा गए, कहीं कहीं ना कहीं। अभी उधर भी चलते हैं। अच्छा, उधर भी लोग बुला रहे हैं, चलते हैं, अब चलते हैं। हाँ, पानी उनी पी लिए, अब चलते हैं आगे, अभी दिखाएंगे। क्या नाम है आपका? दुर्गावती। अच्छा अच्छा अच्छा, ये आपका ही घर है? अच्छा, शौचालय उचालय मिला? मिला तो बाबा घर ना है भले। अच्छा, घर नहीं है, घर ना है, तो आगे चलते हैं। अब आवाज की वही बातचीत चल रही है, हाँ घर भी जा रहे हैं, घर भी दिखाते हैं कि घर भी दिखाने को कहने की घर भी दिखाओ, घर में क्या चल रहा है घर में। अब यहाँ पे राशन बताई होगी, और कुछ ना कुछ तो होगा। यहाँ पे देखो, यही 3 का घर है, और 3 में भी देख सकते हो कितनी तपन हो रही है, लोग पेड़ के नीचे बैठे हुए हैं, क्योंकि 3 जल रहा होगा। और उसके बाद ये भी देखो, एक रसोई घर है इधर भी, और गैस है, जो सरकार की तरफ से गैस दिया जाता है वो भी है। और आगे चलते हैं हम लोग, अब इधर भी चलते हैं, इधर तो घर बन रहा है नया नया, जिनके पास पैसा हो वो तो घर बना रहे हैं, और बाकी इधर भी चलते हैं, इधर देखते हैं क्या हाल चाल इधर का भी। आवाज कहीं ना कहीं खा चुकी है, कागज में सब कुछ है, तो फिर इधर भी देख लेते हैं कहाँ से हाल चाल इधर भी है। ये तिरपाल लगी हुई है, तिरपाल वाले घर में घुसे हैं, और आओ इधर भी दिखाते हैं। आ जाए हम लोग, आ सकते हैं। अच्छा, उधर से आ रहे हैं। अच्छा, खाना। अच्छा, ये बताइए, ये आपका घर है? अच्छा, अब ये आवास वास मिला हुआ है कि नहीं? आवास कहाँ मिलता है? अच्छा, आवास नहीं मिलता है। आ जाओ, आप भी आ जाओ, इधर ही आ जाओ, इधर ही आ जाओ। अरे भरे थे वो प्रधान, भर के अपना ले लिया सब कागज पत्तर, जितना देना था सब दिया गया, फिर इसके बाद कुछ पता नहीं चला।
अभी शौचालय की बात करें, शौचालय मिला हुआ? हाँ, शौचालय मिला। अच्छा, एक सरकारी मिला कुछ ना कुछ, आवास का नहीं मिला, आवास तो गायब है। कितनी बारी भरे थे? दो बार भरे, तीसरी बारी नहीं भरे। और लाइन भी भरता है, कहीं ना कहीं नाम का कुछ ना कुछ गड़बड़ी हो जाती, तब रिजेक्ट हो जाता, क्या पता मिल जाए। नहीं, जवाहरलाल जगह है तो दूसरा नाम कैसे हो जाए। अच्छा, माता आपका नाम का है? अच्छा, ये गांव का नाम क्या है? समादीन। अच्छा, ये बताओ, अब ये शौचालय तो मिल गया आपको, आवास मिला कि नहीं? नहीं। अच्छा, कितनी बारी भरे थे? दो बार भरे थे तो। अरे देख लो तुम भी क्या। हाँ, अब वही दिखा रहे हैं हम भी, तो वही बात बता रहे हैं कि शौचालय का ही नहीं मिला है। अरे शौचालय मिल गया पर आवास नहीं मिला। आस पड़ोस में क्या देते होंगे? तो ये देख सकते हो, ये घर है और अपने पैसे से बनाया गया। ये अब चादर जो है ये सीमेंट का है, वहाँ पे तो टीन जो लगी हुई थी, टीन की थी। अब इधर भी चलते हैं, बातचीत करते हैं। चलो, क्या चीज है? अरे हमारे लाला छेड़ी बकरी लेके चली। हाँ, चला वही वही जन वही जन इंतुन के घर है। चला आप तोरे घर के चेंज बताइए। अच्छा, वो वाला घर। अभी तो नहीं देखा ना, इनके झोपड़ा ऐसा गुजर कर रहे हैं। अच्छा, ये वाला घर है। ये देखिए कैसा अब गुजर हम लोग कर रहे हैं। हाँ, यही समस्या है और यहाँ कोई सुनवाई नहीं। और ये गली वली हम झूठ ना बोलें तो अपने घर। चलो, अब चलते हैं, आगे चलते हैं, इधर भी चलते हैं, देखते हैं। इधर भी सब गांव है, अब चलो दिखाओ आपका भी घर। आने जाने के लिए रोड भी नहीं है। अब ये रोड इधर नहीं है, रोड उधर से घूम के जाना पड़ेगा या तो इधर से। चलो ठीक है, अब वही बात है, नाला पानी सब कुछ कहाँ जाएगा? जब निकासी रहती तो निकल जाता है, और निकासी नहीं है तो वही बात है, फंसा हुआ है सब कुछ। रोड भी दिखाया ना, रोड देखो इतना जनता से, रोड तो है ही नहीं है आने जाने का। अच्छा अच्छा, आने जाने का रोड तो कम से कम कंप्लीट कराइए। इतना मना कर, इतना जनता रहती है। आ जाओ, रोड भी दिखा देते हैं, रोड वो क्या क्या हाल चाल उसका, रोड का भी देख लेते हैं। अब रोड भी दिखाना बहुत जरूरी है क्योंकि इतना आदमी रहते हैं, बहुत दिक्कत है। हम इधर से घूम के इस तरफ से आएंगे, देखते हैं कि क्या हाल चाल है। अब लोग अब उधर भी गए, उधर भी कहीं ना कहीं समस्या थी, अब इधर भी समस्या दिखाते हैं कि रोड का समस्या बहुत ज़्यादा है। यहाँ पेड़ की छाँव का हवा ले रहे हैं लोग, कई लोग हैं। इन लोगों से पूछ रहे थे कि क्या हाल चाल इधर का है। माता जी बैठते हैं, इसी बातचीत करते हैं। अच्छा, ये रोड पूरा एकदम बना हुआ है लगता है। एकदम लहरत है, मतलब गाड़ी उड़ी जाती है? चार चक्का का हेलीकॉप्टर जाती है। अच्छा, इधर कहा जाता है हेलीकॉप्टर जाना? अच्छा, हेलीकॉप्टर जाता है, देखो हमसे भी ज्यादा मजाक के निकले। अच्छा, ये बताओ जो ये सड़क बना होता तो, अभी तो गाड़ी मेरे को दिख नहीं रही है। लड़के पैदल जाते हैं तो सड़क कौन काम की? हाँ, तो सड़क का ही नहीं बन रही है गांव के गांव खुदाई के नाते। अच्छा अच्छा, ये भी बात है, गांव के एक दूसरे से लड़ झगड़ की है। अच्छा, ये भी बात है। अब रास्ता भी दिखा दे, इधर माथा पर दिखा रहे थे, कह रहे कि यहाँ से जहाज निकलता है। जहाज देखे तो सही, कितना बड़ा जहाज आता है ये देख लो। ये है सड़क, यहाँ से अभी थोड़ी सी दूर जाओगे तो मतलब बाजार आ जाएगा। अब इधर भी बारिश होगा तो पूरा पानी लग जाएगा, इतना इसमें से आने जाने लायक ही नहीं रह जाएगा ये। अच्छा अच्छा, कच्चा रोड बना हुआ है। अब मान लो अब कागज ये रोड कम से कम 15 साल पहले का पटा हुआ है, अभी उसी तरह उसके बाद कभी नहीं 15 साल पहले का पटा हुआ है। अच्छा, अब ये कागज की बात करें तो कागज में नहीं, नहीं कागज में पक्का रोड दिखाया गया कि क्या? नहीं, अच्छा ये पक्का नहीं, सरकारी ट्यूबवेल है सर, तो पक्का होना ही चाहिए इसको। अच्छा, सरकारी ट्यूबवेल हुआ, सरकारी ट्यूबवेल यहाँ पे लगा हुआ, उसका ही रोड है। अच्छा अच्छा, तो कहीं ना कहीं ये भी सड़क पक्का होना चाहिए। मान लो पक्का होता कहीं ना कहीं तो बहुत आने जाने की सुविधा भी होती है। आगे चलते हैं, माता जी बता रहे थे कि उनका क्या समस्या है। अच्छा, इस तरफ से चलते हैं, आप दिखाते हैं। रास्ता भी देखना बहुत जरूरी है, कहीं किसी के घर में ना लगा। अब ये देखो यहाँ पे बांस फूस लगी हुई है। रोड भी नीचे दिखाते जाओ कि रोड कितना मतलब साफ है। देखो ये है रोड, अब यहाँ से मान लो कोई मोटरसाइकिल वाला किधर लेके जाएगा,
और पैदल वही माता जी कह रहे हैं कि पैदल जाने के लायक नहीं है तो मोटरसाइकिल और गाड़ी कैसे लेके आएंगे यहाँ पे। और वहाँ पे चलते हैं देखते हैं माता जी कहाँ है। अब ये यहाँ से कम 2 फुट नीचे जाएंगे हम लोग, 2-3 फुट। अब यही सड़क है यहाँ का, सड़क का हर गांव में भी ऐसी ऐसी समस्या। पर कुछ गांव मैंने देखा कि बहुत मस्त गांव बने हुए हैं, वहाँ पे रोड नाला नुला सब कुछ अच्छे तरीके से बनाए, क्योंकि वहाँ के जो प्रधान होते हैं या उनके जो प्रशासन होता है एकदम सख्त होता है, इसलिए उनका गांव पूरा बढ़िया बना होता है। अब ये सड़क है, सड़क का भी दिखा रहे हैं, तो हमें सड़क की तरफ से जा रहे हैं। अब यहाँ पे क्या करोगे कि मतलब समस्या इतनी है हर घर की, मतलब वहाँ पे गए किसी का टीन का घर है, किसी का चादर वाला घर है, किसी का खपड़ेल का घर है, और बारिश का पानी आ जाए तो वो डूबी जाएगा, कहीं 3-5 फुट नीचे है। अब आगे चलते हैं, माता जी दिखा रहे थे कि कहाँ उनका घर है, हाँ उनसे ही बातचीत करेंगे, देखते हैं कि कौन सा दिखा रहे हैं अभी। तो ये रोड है, हम लोग खेतों की तरफ से आए हैं, ये रोड तो है ही नहीं, अब खेतों की तरफ से घूम घूम के आ रहे हैं। छेड़ी उड़ी है यहाँ पे, बकरी उकरी है सब लोग, अब इधर से जा रहे हैं। देखो रोड होता तो हो जाता काम, इधर घर है। देखो ये है रोड, नीचे दिखा दो रोड, माता जी लेके जा रहे हैं। सरकारी सरकार का इतना पैसा कहाँ जा रहा है ये भी नहीं समझ में आ रहा है कि पैसा कहाँ चला गया है। और देखो ये भी रोड है, रोड से जा रहे हैं, देखते हैं कि कहाँ तक कैसे जा रही है। झूठ तो नहीं बोल रहे हो तो मुझे दिख रहा है ना। अच्छा ये जो आवास उवास का अप्लाई अप्लाई किए थे कि नहीं? मेरे पास देवा ना कहीं नहीं, फार्म वार्म भर दिए थे ना? आवास का फार्म भरा हुआ सर, पर मिला नहीं कोई चीज, कोई चीज मिला नहीं है। अच्छा आवास भरे थे? फार्म भरा हुआ है। अच्छा अच्छा, और शौचालय का? शौचालय का उसका भी भरा हुआ है पर वो भी नहीं मिला। अच्छा वो भी नहीं मिला, एक बार एक बार घुमा तो दिखा दो कि ये है, अंदर भी दिखा दो कि मान लो, इधर भी देखो एक बार दिखा दे हम लोग कि कैसा है, मतलब ये भी कम से कम उधर दिखाओ, कम से कम मैं नीचे जाके दिखाता हूँ कम से कम कितना फुट नीचे होगा, कम से कम 2-3 फुट नीचे है। मान लो बारिश का पानी आएगा तो कहाँ जाएगा, कहाँ जाएगा? ये देखो पानी, देखो डाल के कैसे अब ये देखो पानी रुका हुआ है। जो ये नाला होता सरकारी नाला होता जैसे पानी अपने से निकल जाता, अब यहाँ पे देखो कितने मच्छर हैं, कुछ ना कुछ यहाँ से मच्छर उच्छर आ रहे थे, बीमारी का घर पैदा होता है। जो मान लो नाली होती तो नाली से ये निकल जाता, काका बेरा लाइन करा नहीं जाता, वो हमान का कोनो सुनवाई ना, ये काम करल जा के हमानो के कुछ सरकार से मदद मिल जाए, कुछ हमानो के आदत हो जाए। अच्छा अब ये बताओ कि मार लो इतना फुट नीचे है, बारिश का पानी नहीं आता तो कहाँ जाते हो? कहाँ जाओ, उधर के फेंक ही ला जाए ना, भगवान ना रतिया भर उदय रतिया भर उदय बल्टी बल्टी फेंकी का करे ना लगे। अच्छा उसे नींद नहीं आती, नींद ना एक बार से लगन तो उदा उदा देख ला लगन, यह घर द्वार है कि नींद लगे लाख समस्या है, यह तो है कोनो चुरावल तना केहू भी आवत देख ले। हां यह मानो चाहे कि कुछ मिल जा, कुछ आशा लगा के कुछ मानो कह ले हल जा, बाबा के साथ देखा जाए। तो ये घर है देखो, अब इधर भी दिखा देते हैं कि देखो यहां चूल्हे लगी हुई है, और इधर भी देखो कम से कम ये देखो इधर ये मिट्टी इधर भी दिखाना, ये कम से कम मिट्टी कम से कम 4 फुट लग रहा है मेरे को, 3-4 फुट ऊपर है। अब यहाँ से अब देख लो नीचे, अब बकरी उकरी है, मान लो पानी नहीं आता तो ये बेचारी कहाँ जाएंगी? रतिया भर ना बताए उदय ही ना रतिया भर, रतिया भर उदय रतिया भर उदय देखते किला सब सुतला, बारिश होले तो हम उदय देखते हाँ। तो ये देख लो आवास का इनको मिलना जरूरी है, कुछ आदत हो जाए मनों के रहे के ठिकाने। अब ऐसे अब बता दूं कि ये देख लो कितना, ये रियलिटी है, रियलिटी में अब मैं दिखा रहा हूँ। अब कई लोगों को लग रहा होगा कि ऐसे ही आया, अब गांव में आया हूँ तो देख रहे हो आप मेरी तरफ से, अब बाहर निकलते हैं, बाहर की तरफ भी दिखा देते हैं। कम से कम ये 4-5 फुट नीचे था, 4 फुट अब पानी आएगा तो कहाँ जाएगा, बारिश का पानी आएगा तो पूरा डूब जाएगा। नाला है और नाला है ही नहीं है, नाला दिख भी नहीं रहा मुझे, नाला है नहीं ना, नाला जाम। अब इधर भी देखो, इधर भी साइड देखो कितने घर होंगे, ऐसे कम से कम 10-20 घर, 10-20 घर होंगे। रास्ता ही नहीं है, रास्ता भी नहीं है। अच्छा रास्ता भी नहीं है,
मेन रोड ही कभी आज 40 साल हो गया, रास्ता ही नहीं है घर में। अच्छा अच्छा अच्छा, ये बात है, रास्ता ही नहीं है सर। अब रास्ता भी नहीं है, रास्ता भी है तो किसी न किसी के घर की तरफ से ऐसे ऐसे निकलना पड़ता है। नहीं बिल्कुल नहीं सर, रास्ता बिल्कुल नहीं, किसी का शादी भी हो कुछ भी हो, नाला की व्यवस्था बहुत बड़ी है। अब वो भी कह रहे हैं कि इनके तरफ से आप भी दिखा दो, मैं भी देखना चाहता हूँ कि मतलब एक घर में कम से कम पानी बाहर कैसे जाएगा, है ना। कैसे हम लोग पानी भाई, भाई हमारा घर है टूटा सा, कैसे भाई जाएगी। अब ये है कपड़ेल का घर, मिट्टी का घर, ये भी इसमें रहते हैं कोई नहीं, मतलब घर तो मौलो पर। अच्छा अच्छा, गिर रहा है हाँ। पर हाँ इसमें तो कुछ लोग दिखे भी रहे हैं ना, लोग हम नहीं बहुत बार लोग। अच्छा अच्छा, बनवा लिए हैं लेकिन देखा इधर हो रहा है ऐसा। अच्छा, अगर पानी के हट जाए साथ के पर केहर एक जगह ना और एक जगह ना, नाला केहर जाए पानी, अब आपके दुआरे घर जाए घर आ गई कि हमरे दुआरे आवत हो पर घर ना लग जा कदा कर मने देख ले जाए यहां देखा या समझ पर नाला नहीं पास हो पा रहा तो सुखता की जरूरत है। जो कम से कम नाली जो नलका का पानी है वो कम से कम सोखता में चला जाए, बारिश का पानी तो अपना ज्यादा निकल जाएगा, लेकिन सबसे पहले तो नलका का पानी भी नाली। यहाँ पे एक बार दिखा देते हैं हम लोग भी, ये है यहाँ का पानी, यहाँ से पानी निकलता है पर पता नहीं कहाँ, ये कह रहे कि कहाँ निकालेंगे। अब यहाँ पे कुछ ना कुछ थोड़ा सा अपने टेम्पररी तौर से बना रखा है। अब ये देखो यहाँ से निकाल के भी दिखा रहे हैं कि यहाँ पे पानी जाता है, देख लो ये देखो अपने तरीके से बना रखा है, पर पानी के जाने की समस्या बहुत ज्यादा है ना। वो लड़ाई होने का मतलब किसी के घर में मतलब इधर उधर जाएगा तो गाली गलौज हो जाएगा, झगड़ा हो जाएगा, वही बात है। देखो अब आवास की बात करें, अब आवास उबास या वो भराया हो रहा है, कुछ नहीं मिलता सर, कुछ नहीं मिलता। चलिए घर देखिए सर, 40 साल हो गए एक आवास नहीं मिला है, कुछ नहीं मिलता सर, आवास उसकी तो कुछ नहीं मिलता। शौचालय की बात करें तो बिल्कुल नहीं, शौचालय भी नहीं मिला सर, शौचालय भी नहीं मिला, शौचालय भी नहीं मिला। हमारा घर देख लीजिए, हमको शौचालय नहीं मिला है। अब वही बात है, यहाँ पे देख लो कि हर घर की समस्या होती है, मतलब जिनके पैसा है वो तो घर बना चुके हैं, चलो ठीक है वो तो चलो उनका। अभी इनके घर में जैसे मान लो रियल समस्या, मतलब कई लोग हैं, मतलब कई लोग कह रहे थे कि जो मतलब मेरे जैसे होते हैं, मतलब अब तो एग्जांपल दे रहा हूँ कि मेरे जैसे कोई होगा, दो चार पैसा दे के बिल पास करवा के अपना आवास ले आते हैं और अपना घर बना लेते हैं, पर ये लोग फार्म भरते हैं, इनका फार्म ही गायब हो जाते हैं। फार्म फार्म कुछ ना मिला, बहुत बड़ा भरा सर, फार्म बहुत बड़ा भरा सर, नहीं मिला सर, नहीं मिला है। अब वही बात है, फार्म वार्म भरते हैं, नहीं मिला सर, बाथरूम मतलब शौचालय भी नहीं मिला है। अब यहाँ पे घर भी दिखा दो, कितने घर होंगे कम से कम यहाँ पे मेरे को 50 के ऊपर घर, 40-50 घर इधर हैं। ठीक है, इधर भी नहीं, अब इधर भी घर, इधर भी दिखा दो, इधर भी इस साइड भी घर दिखाओ, ये भी घर है, ये भी घर है, लेकिन ये घर रास्ता कोई नहीं है, नाला है ना रास्ता है, पानी बारिश जब होती है तो इधर सारा पानी इतना लग जाता है पूरा इतना। अच्छा, इतना मतलब कितने फुट होगा पानी? 3 फुट पानी लग जाता है, पानी निकलने के लिए कोई रास्ता नहीं है। अभी बारिश हो जाएगी तो सभी लोग अपने अपने घर में पड़े रहेंगे, सभी लोग का नहा रहा है, पानी पूरा भर जाता है। अच्छा। इधर इधर पूरा रोड पे पानी, बारिश का पूरा पानी निकलने के लिए नाला है, पूरा पानी बारिश में हो जाता है। अब वही बात है, वहाँ 4 फुट है और यहाँ पे भी कुछ ना कुछ फुट होगा, तो इधर भी कुछ फुट होगा, वो बारिश का पानी आएगा तो कम से कम इतना तो फुट बनेगा ही बनेगा, ये रियलिटी है, ये नहीं है कि दिखावा दिखा रहे हैं। हम हर गांव में जा रहे हैं, आजमगढ़ की बात कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश में जहां तक यहां पे लगभग 4-5 फीट ऊंचा हो गया है, पानी साइड में 5 फीट ऊपर हो गया है, साइड में इधर 3-4 फीट हो गया है, जैसे ही बारिश यहां पे पड़ेगी पूरा चारों तरफ लबालब पानी से भर जाएगा। अच्छा, लगभग 5-6 फीट पानी यहां पे हो जाएगा, अगर कहीं से निकलने वाला नहीं रहेगा पानी। फिर तो यहां पे किस्ती चलानी पड़ती होगी उस टाइम? किस्ती तो नहीं चलानी पड़ती है, पर चलाना ही पड़ जाएगा आने वाले टाइम में। तो आगे चलते हैं, इधर भी घर दिखाएं, क्योंकि ये गांव का जो है ना, ये गांव की समस्या दिखा रहा हूँ, ये मेरा पर्सनल मैटर नहीं है, ये सरकारी काम है और सरकारी काम में कहीं ना कहीं घपला हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे 2-4 घर कम से कम यहाँ पे भी दिखाए मैंने, और ये देख सकते हो इधर बच्चे भी हैं। ठीक है, इधर अब यहाँ से भी पानी की समस्या देखो, यहाँ पर है नाला, एक ना है अपनी मशीन के आगे नाली की वजह से अपना खड्डा खन कर रखे हैं, वो भी नहीं, अपना ही प्राइवेट खड्डा करने है, कोई प्रधान सुविधा भी नहीं दिया है इनको। जो वही बात है, सरकारी ये चौहान बस्ती की बहुत हारे बुढ़ावे समुदान, बुढ़ावे साबुद्दीनपुर में चौहान बस्ती जो ग्राम सभा है,
पूरा है उसमें बहुत हालत खराब है, कोई काम नहीं करता प्रधान। और श्रीमान से निवेदन है कि इस गांव की हालत देख करके काम करने का कष्ट करें और शासन प्रशासन जो है वो अधिकारी जो है विकास वाले उन पर ध्यान दें। अच्छा, अब वही बात है, अब 4 फुट 5 फुट मैं भी ऊपर आ चुका हूँ, वहाँ पे भी एक नाली थी, नाली का हर जगह नाली तुम्हें छोटी छोटी दिखेंगी, वो भी पर्सनल अपना खुद का बनाया हुआ है, वो भी खर्चा लगता है, जेब सही है सरकारी, इधर कोई रोड नहीं है। अब यहाँ पे कोई रोड ही नहीं दिखेगा आपको, ठीक है। और वहाँ पे एक रोड था कम से कम 2 फुट उधर भी 2 फुट इधर भी, अब गाड़ी लेके आना होगा तो गाड़ी नहीं आ पाएगी यहाँ पे। अब वो भी बात है, मोटरसाइकिल लेते लेते लोग डर के मारे मोटरसाइकिल नहीं घुसा रहे हैं, तो अब यहाँ पे 4 चक्का क्या लेके घुसाओगे। अब चलते हैं आगे, चलते हैं धीरे धीरे, अब आप लोग भी आओ इधर भी, गांव की समस्या एक ही लोग का नहीं है, सभी लोगों का है कि नहीं, सभी लोगों का। हाँ चलो धीरे धीरे आगे चलते हैं, और आगे अब ये बताओ आपका नाम क्या है। अब ये बताओ यहाँ पे जो ये नाला है, नाला बना तो है पर पानी कहाँ जा रहा है? तो जाम पटा के ऊपर से जाता, ऊपर से जा रहा पानी, ना पानी कैसे ऊपर से ना जाता, नाला पटा लेते हैं। हाँ ये भी बात है, पानी गलत है, गलत है ना, गलत ये पानी, जैसे नाला देखा, नाला बना रखा ऊपर से पानी जाता कि ना जाता। अब अंदर अंदर जाना चाहिए कि ऊपर जाएगा, बरसात के ऊपर जाता है तो जाता है अंदर। अच्छा अच्छा, वही बात है, कहीं ना कहीं समस्या, हर किसी से बातचीत कर रहा हूँ यही बात निकल रही है, कहीं ना कहीं घपला है, घपला वही बात है, ये जनता के बोल है और गांव में ये बढ़ावे। इस चौहान बस्ती में जब से प्रधान चुने गए हैं अभी कभी नहीं आए होंगे इस गांव में, चौहान बस्ती में वो कभी नहीं आए होंगे कि क्या समस्या है, क्या नहीं समस्या है, जबकि गांव के जो प्रधान समस्या का समाधान करना चाहिए, कि जो गांव के जो समस्या है उसका निवारण करना चाहिए। अब ये नाली है, नाली में पानी जा रहा है, नाली में तो पानी गिरता है पर कहीं जा नहीं रहा है, इसका निकासी सही तरीके से नहीं है कि इसका कोई निकास, वही उसका लेवल भी नहीं है, लेवल भी नहीं, कोई एक लेवल होता है कहीं निकास, इसका पानी जाकर गिर जाए, एक पूरा जाम हुआ है, पानी जब गिरता है। अच्छा अच्छा जी, एक लेवल में पानी रहता तो पानी जाता, एक लेवल में रहता पानी, उसका कहीं जैसे खड्डा हो, जैसे कोई होता ना कोई जगह वहाँ पे खड्डा हो उसमें जाके पानी गिर जाए, वो है ही नहीं। अब वही बात है, देख रहे हो नाली बनी है पर थोड़ा मोटा पैसा लगा हुआ है, और वही बात है कहीं ना कहीं फिर से वही बात है। आगे चलो और भी दिखाते हैं, आज मेरा काम यही है, सभी का गांव, जितने गांव के समस्या है सभी का दिखाना। कहीं सड़क दिख रही है इस गांव ग्राम सभा में, कहीं सड़क दिख रही है, न खड़ंजा है, न डमरू है, न पीच है, न कोई चीज है, सब कच्चा कच्चा पड़ा हुआ। नीचे दिखाओ, नीचे मिट्टी मिट्टी आपको दिखेगी, अब यहाँ पे कोई वो नहीं दिख रहा है, क्या कहते हैं, ना डमरू ना ये ईट वाली जो होती है। अब ये देखो यहाँ पे एक भी ईट नहीं दिखेगी, ईट दिखेगी भी तो जो अपने पैसे से लगाए होंगे, घर वाले अगल बगल वाले होंगे वही दिखा रहे हैं, वही लगा सकते हैं। हाँ, अब यहाँ पे कुछ लोग हैं भी हैं, इनसे बातचीत कर लेते हैं, कहाँ नाम है इनका, क्योंकि इनके घर पे पहुँचे हैं तो ये भी बताएंगे समस्या का है, कहाँ नाम है इनका जी। अच्छा ये बताइए, ये रोड है ना, ये रोड तो ना। अच्छा ये रोड नहीं है, नहीं। ये पर्सनल घर है, पर्सनल। जब मान लो वहाँ से मैंने गाड़ी लेके आना होगा तो गाड़ी मेरी घुसेगी, क्योंकि बना नहीं है। अच्छा अब वही बात है, 4 फुट ऊपर 4 फुट नीचे गड्ढा खुद, ये कहीं ना कहीं घपला है कि नहीं। अब इन लोगों से भी बातचीत किया, इधर महिलाएं हैं, महिलाएं से भी बातचीत की। कहा नाम है आपका? अनीता। अच्छा अनीता जी, ये बताइए नाला बना है, पानी जा रहा है? जा रहा, जाम हो गया। अच्छा अच्छा, अब वही बात है, अब यहाँ पे फिर पानी कहाँ जाता है आप लोगों का? जहाँ भरता है उपरांत जाता है, वो बीमारी का घर भी बनता होगा। हाँ। तो बच्चे छोटे छोटे हैं, कहीं बीमारी ना हो जाए, बीमारी बढ़ा चाहे घटा। यही रोड खुलल तो सबका छेड़ी बना थी, पर गाड़ी ले ले सब दौड़ा ला, तो बोल दे सब झगड़ा करके तैयार। वो तो चलो रोड है, रोड तो जाएंगे जाएंगे, रोड तो खुलल है। अब वही बात है, कहीं जाता ना। अच्छा अच्छा अच्छा, अब वही बात है, कहीं ना कहीं एक थोड़ी मोटी समस्या तो है ही है। अब ये देखो यहाँ से यहाँ तक इतना रोड मैंने दिखाया है, और ये भी दिखा सकते हैं, इधर भी दिखाते हैं हम यहाँ पे। अब सबसे बड़ी बात, अब मैं इसमें इधर दिखाओ, अब मैं मान लो यहाँ से आऊंगा थोड़ा सा इधर होते जाऊंगा, नहीं तो इधर जाऊंगा तो इसी में रह जाऊंगा, ठीक है ना, कम से कम ये भी होगा ही, जे नाला चलता तो नाले में पानी जाता तो अच्छा होता, पर ये भी देख सकते हो कि नाला है,
नाला नाला, ये नाले में पानी जाना चाहिए पर पानी नीचे से नहीं ऊपर से जा रहा है। और आगे चलो इधर कहीं ना कहीं स्वच्छ, ये क्या कहते हैं, शौचालय भी बना हुआ है। शौचालय आया हुआ है, समस्या थी मतलब स्वच्छ बाहर जाना, मतलब लोग बाहर खेतों वोतों में जाते थे। पर सरकार ने ये भी काम बहुत अच्छा किया कि मतलब हर घर में एक इज्जत घर दिया कि मतलब कुछ गमन लोग कर गए। अच्छा उसमें भी घपला हुआ, उसमें भी घपला हो गया। हाँ 75% पाए, 25% लोग नहीं पाए, 25% से ज्यादा खा गए सब। अच्छा 25% मतलब बहुत ज्यादा खा गए। मान लो अब वो आता है घर वालों को, जैसे मान लो जिन जिन का नहीं मिला वो किन को नहीं मिला, मतलब बहुत लोगों को नहीं मिला, बहुत लोगों को नहीं। ये भी लोग हैं यहाँ पे बैठ जाते हैं, इनसे बातचीत करते हैं। क्या नाम है चाची? सारा कोई थोड़े गांव ठीक है ना। अच्छा ये बताओ ये जो नाला है, नाला में पानी वानी जाता है? हाँ यहाँ जाता है। अच्छा ऊपर से जाता है? नहीं नीचे है मशीन ये वो है। अच्छा तो पानी वानी जाता है, बढ़िया से जाता है? भटल है क्या कर। अच्छा भरा हुआ है नाला, पानी वानी जा रहा है? हाँ पानी जा रहा है। अच्छा जाते हैं, लगाओ मशीन है, ये मशीन है, इधर आओ इधर आओ इधर आओ, लड़के हैं आप बताओ इधर। आपका घर कौन सा है? अच्छा ये वाला इनका घर है ना, ये वाला घर है। अच्छा इसमें पानी, चाची बोल रही है कि पानी जाता है हम लोग का ना जाता, साफ करने पैसा लगता है, पैसा वहाँ से पड़ता है। अच्छा पैसा पैसा देते हैं इसका साफ करने? कितना रुपया? 50 रुपया घर से लेते हैं। अच्छा 50 रुपए एक घर से? कौन लेता है? प्रधान लेते हैं, मांगते पैसा साफ करने के लिए। अच्छा अच्छा सफाई कर्मी नहीं, साफ करने आते हैं सर। अच्छा कौन प्रधान लेता है? सुनील प्रधान मांगते पैसा। अच्छा कौन? सुनील प्रधान। अच्छा वो तो बहुत पहले प्रधान थे। तो पहले के कह रहे हैं कि पहले प्रधान इस समय कौन प्रधान है? इंद्रसेन प्रधान। जब साफ कराई नहीं तो पानी नहीं बहते, वहाँ पर कचरा है सब भरा है, पानी नहीं जाता है, पानी नहीं जाता है। अब मान लो वही पानी ऊपर आएगा, ऊपर आने के बाद फिर बीमारी का घर है कि नहीं, तो वही डेंगू उंगू फैलेगा, फिर उसमें ही पैसा लगेगा। वही बात है, कहीं ना कहीं समस्या है। ये भी देख सकते हो यहाँ पे पूरा एकदम दिखाया है मैंने, स्वच्छ घर भी मिला है। और आगे भी चलते हैं दिखाते हैं लोग हैं यहाँ, ये हैं इनसे बातचीत कर लेते हैं। कहाँ नाम है आपका? आओ आगे आ जाओ। घर है? अच्छा अच्छा कहाँ नाम है आपका? मिल लिया कह दिया है ना। अच्छा अच्छा यहाँ जो ये पानी उनी है, इसका पानी उनी जा रहा है कि नहीं जा रहा है? पानी नहीं जाता है, वही बात है, हर जगह समस्या है। नाला बना है, पानी नहीं निकल रहा है। अच्छा नाला बना हुआ है? नाला दिख रहा है पर पानी कहीं निकासी नहीं है, नाला बना बस और का पानी का निकासी कहीं नहीं है। अच्छा वो लड़का कह रहा था कि 50-50 रुपए जो सही बोल रहे हैं उनके घर के बारे में, अब इस गाँव की बात करें, अब ये बताओ इस गाँव में कितने घर होंगे अंदाजा? 125 से ऊपर घर है। मान लो 125 घर हैं तो कुछ लोगों से 50-50 रुपए ले रहे होंगे, तो कितना टोटल बन गया? कितना बन गया होगा टोटल 125 घर के 50-50 रुपए लेंगे? बहुत ज्यादा ना। हाँ ये तो सफाई कर्मी के अंतर्गत आता है, लेकिन सफाई कर्मी हर ग्राम सभा में क्यों रखे गए हैं? इसी की वजह से रखे गए हैं ना कि हमारे ग्राम में साफ सफाई रहे, इसीलिए सफाई कर्मियों को वेतन दिया जाता है, सरकारी भत्ता दिया जाता है, किस कारण? इसी कारण वो लड़के कह रहे। लेकिन यहाँ पे वसूली किया जाता है कि जितने व्यक्ति हैं आपस में घर बनाए हैं उनसे वसूली किया जाता है। वो बंदा बताया ना 50 रुपए प्रति आदमी से वसूलते हैं लोग, किस चीज का वसूलते हैं? जिनको सरकार दे रही पेमेंट तो आखिर किस लिए 50 रुपए वसूलते हैं? वही बात है, 50-50 रुपए जोड़े तो बहुत ज्यादा बन जाएगा, बन जाएगा। अब उतने में तो ये पर्सनल बना लेंगे लोग, इसमें विकास कहाँ से बात आती है? विकास हमारे गाँव का कुछ नहीं विकास हुआ है, इसमें भी घपला सब में हुआ है। आप एक जितना भी है, इसके पहले अगर कोई भी होंगे प्रधान जी जो भी, अगर कहीं पे रोड भी बनवाए होंगे तो वहाँ पे कार्य योजना में लिखे होंगे कि किन के घर से इसके घर तक ले मैंने कार्य किया, लेकिन मौके पर जाकर के पूछिए काम हुआ है कि नहीं हुआ है, वो खुद बता देंगे। जिनके यहाँ से कार्य योजना में नाम लिखा गया होगा कि इनके घर से इनके घर तक कार्य योजना में नाम लिखा गया दर्शाया गया है, उनसे पूछिए मौके पर जाकर के क्या आपके घर से इनके घर तक रोड बना है इनके कार्यकाल में, वो बता देंगे, सीधा निर्धय हो जाएगा। मुझे तो अभी तक रोड ही नहीं दिखा क्योंकि ना जैसे लग रहा है आप जब से बना रहे हैं, आप देख रहे हैं घूम रहे हैं हमारे ग्राम को, चौहान बस्ती को, ग्राम बुढ़ावे सामुद्दीनपुर के चौहान बस्ती में आप घूम रहे हैं, जब से देख रहे हैं देखे होंगे कितना विकास स्तर तेज है इसमें।
एक कचरे का जो ड्रम होता है, बक्सा होता है, वो नहीं है इस गांव चौहान बस्ती में, और गांव में है लेकिन इसमें गांव में प्रधान नहीं रखे हैं। एक कचरे पट्टी का जो बक्सा होता है वो नहीं रखे हैं। अच्छा, कहीं ये भी बात है, मैं ये भी पूछना चाहता हूँ, ये इसमें कितने गांव आ जाते हैं, मतलब एक प्रधान जो खड़ा होता है उसके कितने गांव आ जाते हैं? सात गांव है, और सात गांव में कितनी आबादी होगी? 5000 से ज्यादा। 5000 से ज्यादा है। 5000 से ज्यादा है। अब वही बात करें, मान लो प्रधान जीते हैं जिस गांव से, मतलब जहाँ से ज्यादा वोट मिली है वो वाला तो काम नहीं होगा, जहाँ से ज्यादा वोट मिली है वहीं का काम कराना, बाकी यहाँ से विकास का तो वही स्तर है ना। इसमें देखा जाता है कि हमको कहाँ से बड़े पैमाने पर हमको वोट मिला है, इसी हिसाब से विकास हो रहा है। अच्छा अच्छा, ये तो है नहीं कि ये भी तो ग्राम बुढ़ावे सामुदिन पर चौहान बस्ती भी रहता है, एक ही गाँव है। हाँ, एक ही गाँव, एक ही प्रधान है। एक ही प्रधान है, जब वोट मांगने आते हैं तो कहते हैं कि भाई हम विकास करेंगे, ये भी तो हमारे गांव का ही है, ग्राम सभा का ही गांव है, लेकिन उसके बाद भूल जाते हैं। अब जीत गए हैं तो ये होता है कि ये वोट दिए हैं उनको हम देंगे, तुम अच्छा, नहीं दियो तुमको। अच्छा, जिस गांव में मेरे को वोट मिला है वहाँ काम करना है और यहाँ पे नहीं। और आगे चलते हैं, पानी की समस्या बता रहे हैं की और भी है, और आओ इनसे बातचीत कर लेते हैं, आपके वहाँ पे चलते हैं और आगे चलते हैं। आगे पानी में पौड़ते हो? बूढ़ी लगती, बूढ़ गई ना छेड़ी बकरी। अच्छा, छेड़ी बकरी तुम्हारी, मतलब बकरियों को डूब गई? डूब गई। अच्छा, कितना पानी होगा? ये इतना लग जाता है, इधर से कोई सब नहर बन गया, कोई निकलने नहीं देता, हम लोग के घर एकदम बूढ़ के रहते। अच्छा, वही 4 फुट ऊपर 4 फुट नीचे, उसके बाद में पानी में, बारिश के पानी में डूब जाना? डूब जा रहा। अच्छा, ये भी बात है, देख लो एक महिला आई है, देखा पानी यही में जाम। अच्छा, इसी में जाम हो चुका? हाँ, कहीं नहीं निकलने का साधन। अच्छा, देखिए ये मकान एक है। अच्छा, ये मकान इनको आवास मिलना जरूरी है कि नहीं है, पहले ये मकान को देख करके इनको आवास का जरूरत है कि नहीं है? अब आ जाओ एक बार, हम लोग आवास की बात कर ले। आवास पहले इनको अब यहाँ से देख लो, एक है मतलब अपने तरीके से एक घर बनाया गया है, पर आवास की बात करें, आवास मिलना बहुत जरूरी था, कहीं ना कहीं यहाँ पे भी कुछ ना कुछ। अब ये बात बताएं, अच्छा ये बताओ, इन्होंने फॉर्म अप्लाई किया हुआ था? फॉर्म अप्लाई किया ना? अब इधर आओ, अब बातचीत कर लें, क्योंकि फॉर्म अप्लाई करना होगा, उसके बाद अधिकारी जो होते हैं जांच करने आते हैं, जांच करने के बाद क्या होता है, फिर पास होता है, पास होने के बाद पैसा आता है, पैसा आने के बाद फिर घर बनता है। पर मैं भी रिक्वेस्ट करता हूँ, ऐसे घरों को आवास मिलना बहुत जरूरी है। अच्छा ये बताओ, ये घर आपका है? अच्छा, आवास की बात करें, आवास के जो फॉर्म होता है, फॉर्म अप्लाई किया? इधर देखो, औरत भर ले रहे। अच्छा, आपकी वाइफ ने कहा, उन्होंने भरा फॉर्म, तो फॉर्म कहाँ गया? अब पता नहीं, ये लोग गुम कर दिए, क्या किए। अच्छा अच्छा अच्छा, आपको कभी फोन होना आया था कि मेरे का पास हुआ है कि नहीं हुआ? नहीं, फोन नहीं आया। अच्छा, फोन नहीं आया, फॉर्म भरा हुआ है पर फॉर्म का पता नहीं लगा। फॉर्म कहाँ भरे थे? भल्लेरा लिया और किया, ये भल्लेरा सुनील कहा, आप भरे थे? नहीं, उसका हम लोग तो भल्लेरा नहीं, प्रधान मा के। अच्छा अच्छा, अच्छा सुनील प्रधान, अच्छा यही पे भरल। अच्छा अच्छा, ओकर फोटो सबका दियो ना है, एक फोटो खत्म हो गया, एक फार्म को खत्म हो गया। अब वही बात है, ये फार्म भरे हैं, कह रहे हैं कि यहाँ पे फार्म भरा हुआ है, पर वो भी फोटो तो पता नहीं क्या चीज है, वो प्रधान अच्छा इंद्रेश प्रधान है यहाँ के। अच्छा, वो जीते हुए हैं ना? हाँ, वो जीते हुए हैं। अच्छा अच्छा, तो वो क्या कहते हैं, ये फार्म की बात कर रहे हैं, फार्म भरा हुआ पर फार्म गायब हो चुका है। अच्छा, आपका कितने बार है? आपका 2 बार। अच्छा, आगे चलते हैं, अब आगे भी दिखाते हैं, 2 बार भरा हुआ घर सही फोटो करा। अब एक और चीज है, अब ये 2 मिनट धीरे से जाओ और अब देखो ये कितना फुट नीचे जाएगा। अब ये, अब मैं यहाँ पे से कम कितना फुट होगा यहाँ से? यहीं से पानी यार भैया ना निकल। अब वहाँ से एक बार कैमरा रोक लो, रोकने के बाद अब मैं दिखाता हूँ, मैं यहाँ से नाला हो गया खत्म, अब यहाँ से मैं उतर रहा हूँ, देखो कम से कम कितना फुट होगा। अब कैमरे की निगाह से ही देख लो, क्योंकि रियलिटी चीज जो होती है, अब देख लो इतना ऊपर से उतर रहा हूँ। चार फुट, अब यहाँ से मान लो 4 फुट ऊपर होगा तो कम से कम पानी तो आएगा ही आएगा। यहाँ लग जाता है कितना पानी आ जाता है? इतना पानी, 3 फुट पानी लगता है, 3 फुट पानी आ जाता है, इतना पानी है। अब वही बात है,
मेरे मेरे घर में ऐसा मान लो मेरा घर होगा तो मैं तो किश्ती लेके चलूंगा मैं किश्ती, क्योंकि पानी रहेगा तो पानी में थोड़ी अंदर जाएंगे किश्ती लेके घूमेंगे। अच्छा ये भी समस्या है कहीं ना कहीं, नाला नुली है ही नहीं अब यहाँ पे। अरे सड़क दिखाइए, सड़क देखो यहाँ से देखो कितना सड़क कहाँ बन रही है, सड़क बना दे लेकिन आओ इधर आओ, इनका घर है ठीक है, इनको भी आवाज का जरूरत है, इनको भी आवाज नहीं मिला है। जगन गजन से रहनी है भाई तो आवाज का वो फोटो का वो फार्म का कौन नाम है जसना का भयल नाम है। अच्छा अच्छा लैटरिन मांगता ही रह गई नहीं तो बड़ा गाड़ा खन के अपन के सो काम चलाई ला। अच्छा इनको लैटरिन भी नहीं मिली। अच्छा शौचालय तो गांव में कहीं ना कहीं मेरे को दिखा, शौचालय आपका आया है कि नहीं? नहीं आया, दो फार्म वार्म भरे हैं तीन बार चार। अच्छा फार्म भरे हैं, फार्म कुछ नहीं खबर है नहीं। अच्छा आवाज का कुछ नहीं, उसका भी नहीं है नहीं। फार्म कहाँ भरे थे? इंदरसेन की वर्तमान प्रधान है। अच्छा जो यहाँ का मौजूदा जो अभी प्रधान है उनके पास भरा हुआ था और वहाँ पे फार्म भरा तो फार्म का पता नहीं लगा, फार्म को कुछ पता लगा? कुछ ना दो बार तीन बार ले गया फिर वहाँ भवन घर में बुलाया जो पंचायत भवन घर है। अच्छा पंचायत आने वाला है आओ, फिर गया वहाँ में फिर सही फार्म पासबुक कर लिया आधार कार्ड लिया तीन तीन चार चार बार। वही बात है, फार्म भरा हुआ है पर कहाँ पैसा जा रहा है कुछ नहीं पता लग रहा है, ये भी कहीं ना कहीं घपला है। मैं तो वहाँ चार फुट ऊंचा है, चार फुट कहाँ से मिट्टी लेके आओगे, कहाँ से मिलेगा? इंदरसेन के काल गलती थोड़ा माटी गिरवा दो, हमने बड़ू खड़ंजा खन के निकाल दे थी, तनी ऊंच कर दो, वो झका ही नहीं आवा था काल कौन तुम्हारे गांव का वोट पौले की आई हम तुम्हारे। वही बात आ निकल गई ना। हाँ। वही बात निकल गई, कह रहे हैं कि तुम्हारे गांव से मुझे वोट, तुम्हारे घर से गांव से वोट नहीं पाए, मैं तुम्हारे गांव को सुनवाई नहीं करी। अच्छा जहां से मेरे को वोट मिला है तहां मैं सुनवाई करूंगी। अच्छा। तुम्हारा प्रधान तुम्हारा गांव नहीं सही कर रहा मैं क्यों करूं? अच्छा आप ये बताइए हमारे जो चौहान बस्ती है उसमें कहीं कचरे का डब्बा रखा हुआ है? नहीं कुछ नहीं, कहीं पे रखा देखते हैं? आप एक महिला है? कुछ नहीं, एक 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 रोड बनल है नदी पर जाए कि अबेर सवेर रात बिरात दमरी होगा ना केतन जन कहीं गोड़ भांग जाता है टूट जाता है सकील टूट जाता है कहीं मेतनी दंदर है कहीं टूट गया है कहीं फाट गया है कुछ न सही। वो पटिया की बात कर रहे हैं जो नाला बना है, जो नाला बना है नाला गया है उस पटिया की बात कर रही है कि दो दो मीटर के बाद एक पटिया है। अच्छा दो मीटर के बाद एक पटिया है। अच्छा दो बातों कर रही हैं। अच्छा अच्छा उसमें गोरू बकरी के मतलब गिर जाता है। अच्छा गोरू बकरी के कितनी गिर जाता है भाई धवर के जब चलता है तो कितने में बच्चा चौ में घुस जाता है। वो भी बात बता दे, एक और चीज है अब मैं बताता हूँ एकदम सही तरीके से। कुछ दूरी पे एक आपको दिखेगा वही वाला जैसे नाला दिखा रहा था ना वैसे एक आपको दिखेगा, फिर उसके बाद कुछ दूरी पे नहीं दिखेगा, फिर कुछ दो मीटर के बाद फिर दिखेगा, फिर उसके बाद दो दो मीटर पे बाद खाली है। खाली का मतलब क्या है? दो मीटर पे कचरा करने गैप बना, कचरा कोई करने आता नहीं। अच्छा कचरा निकालने नहीं आते? नहीं ये तो नहीं, घास लग गया है कोई मठा है नहीं, कचरा है कि गबड़ा है कि का गमन के लिए ढकने में पैसा ज्यादा लगेगा, ढकने में पैसा ज्यादा लगेगा उसे खाली रहेगा कुछ तो कोई डंडा ना से अपन मनो वही बात है। दो मीटर वाली इनसे ही बात पूछूंगा। अच्छा दो मीटर वाला जो है उसका मतलब क्या है? दो मीटर का जैसे दो दो मीटर पे छोड़ रखा है और दो मीटर के बाद बना रखा है, सीधा विकल्प है पैसा बचाना। अच्छा सीधा विकल्प है पैसा बचाना, अगर पैसा बचेगा नहीं अपने पॉकेट में जाएगा नहीं तो फिर कैसे विकास होगा ग्राम सभा का? पैसा ना बचाए तो अस्तर हमारे ग्राम सभा का, खेत बाड़ी कैसे कीनी हम जमीन गरीब न मानिए। और दूसरी बात ये है कि रह गई आवास की बात, तो आप एक हमारे गांव का कार्य योजना का इतिहास उठा के देख लीजिए कि जिनके मौजूदगा में मकान है उनको आवास मिला है, जिनको रहने की व्यवस्था तक नहीं है उनको आवास नहीं। जब प्रधान का जब प्रधान की तुम्हारे गांव अब जैसे मान लो हमारे गांव मान लो का पैसा मेरे को आवास लेना है, मेरी पकड़ है आबादी खर्चा दे दिया, मेरा आंटी को पैसा दे दिया, पैसा दे दिया 10,000 उसको मिल गया, वो सबसे बड़ा गरीब हो गया। अब वही बात है जैसे मान लो मैं बताता हूं उनके नाम आवास जैसे कि मान लो मैं अभी हमारे ग्राम सभा का
ये चौहान बस्ती जो है ये खपराया घर है, पुराना मकान है जो पुराना 45-40 साल से वैसे पड़ा है। इसमें टूटा हुआ मकान है, 40-45 साल से वैसे पड़ा है, टूटा हुआ मकान इसमें देख सकते हैं, मौजूदगी में है इसमें मकान जो मौजूदगी में है उसका वीडियो भी आप ले सकते। वही फार्म दा वही फिर दोबारा पासबुक दा, अब का जाने वही गाड़वा फेंक देना कि प्रधान अपने बक्सा में चोरा लेना, अब फार्म का पते ना। अच्छा फार्म का पते नहीं लगता, पंचायत भवन बना हुआ पंचायत भवन। अच्छा तो वो कागज में पता ही नहीं लगता कि कहाँ गुप्त नहीं झूठा कि सही है कौनो ओकर खबर है ना अथिया कि तुम्हार नंबर गलत है, तुम्हार पासबुक गलत है, तुम्हार आधार कार्ड गलत है, कुछ ना खाली भर जा फार्म। अरे बाबू हम लोग देवा मड़ई टाटी मिला, भर जा फार्म घर सहित 60-70 रुपया वहाँ सरदहा में फोटो निकाली लग जाती है, 3-4 बार का तो 150-300 रुपया यही तने चल गए, आयल कुछ ना आने जाने में उकर यहाँ से मोबाइल में ले जाती तो वहाँ से कंप्यूटर में काढ़ा थी कुछ नहीं अपने सहित का घिंचा के लिए अपने सहित घिंचा के जाता कुल कह के जाता बूढ़ राल कहानी गाड़ा खंड के लाइटरिन बने आज ला शौचालय भरते 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 बाप रे बाप 1000 रुपया चल गए भराई शौचालय अभी ना कुछ कौनो सुनवाई है ना आई हमने का कबाड़ा है टोला अब हमने का खंडा गरीब सुनवाई है न रोड है न नारी है न पानी है न मरद चला खो हवा पियक कर मेरा रुचि यहाँ भी कुछ लोग हैं कुछ लोग गरीबी रेखा से हैं भैया मेरा रुका कर जहाँ बोला था तहा सब जाता और कौनो कौनो ओकर परवाह है मन तो कहना उठाए तो कुछ मार दो प्रधान एकदम फट जाए मिली ना वो तो फिर से चुनाव आएगा तो फिर से अभी चुनाव आएगा मान लो 1-2 साल के बाद चुनाव आएगा तो उनको एक जवाब देना सब प्रधान आइया करो। अच्छा सर एक बार कहा था मैं हाई कह देव पा जाता तो लुका जाता 10 बजे जाता 8 बजे सुतल रहा अच्छा ए प्रधान बाबू है या भंजा गवना तोरे घर जो बैठा चाहे मजदूरी करे नंबर भी दे दे तो नंबर मोबाइल स्विच ऑफ करके रख दूसरे का मोबाइल दे देता कहले पर कहा कि तू बेजी है नंबर बेजी है का करब पढ़ा न लिखा दूगर चार बार कहला छिपा के अपने घर बैठो नहीं ये तो बात है अगला प्रधान मान लो चेंज कर देते क्या पता सही प्रधान भी मिल जाए क्योंकि मैं कई गांव में घूमा मैं अच्छे अच्छे प्रधान मेरे को सही प्रधान हो हमारे दिल से ऊपर का चेहरा तो ठीक है अंदर में चोर है लेकिन भगवान ओकर सब फल दे जिसका ऊपर चेहरा नहीं ठीक रहेगा उसका अंदर सही वो जो प्रधान हो जाएगा तो कुछ तो गरीब का मतलब जवाब उसी टाइम इलेक्शन में ही दोगे। अरे भाई मुझे कहाँ ले आ चलो कहाँ मैं चलो दबने वाला ना किसी कमाई नहीं खाता हूँ भगवान से आशा हूँ जब देख रोटी खाता हूँ का कोई मुझे देता है और पानी उनी पिया बाबू। अच्छा पानी उनी पिला रहे हैं मैं थोड़ा सा खा लेता हूँ ठीक है और आगे चलते उधर बता रहे थे कि और भी हैं आगे चलते हैं देख सकते हो ये लोग भी गरीबी रेखा से हैं इन लोगों को करकट वही में जीवन यापन करते हैं लोग ये सब औरतें हैं वही घर की औरतें हैं ये उठा भी करकट है एक करकट है महिलाओं से पूछ लीजिए उनको क्या दिक्कत है। अब वही अब यहाँ पे दिखाते हैं एक यहाँ पे अब ये है तिरपाल ठीक है वहाँ तो आपको तिरपाल से घेर के अपना बाथरूम बनाए हैं जो वही शौचालय होता मिला होता तो अपना तिरपाल त्रिपाल की जरूरत नहीं रहती अपना त्रिपाल की जरूरत नहीं होती पहले बाबू नलका पानी साधन पानी साधन नौका वो दिखाओ अरे इधर भी दिखाओ यार इधर अब ये देखो ये नलका है ठीक है ये मशीन है इसमें से पानी आता है पानी में साधन नहीं है पानी गिराने का साधन नहीं अब ये गिराने का साधन हम कहाँ गिराई कुछ होता ना कुछ होता ना कहाँ गिराई दिखाइए हम जैसे ये कह रहे हैं कि इनका जो नलका है नलकूप जो लगा हुआ है वो नलकूप का जो पानी निकल रहा है वो कहीं जाने की व्यवस्था नहीं इनके पास है। जो भी है व्यवस्था थी जो जमीन थी इनकी ये करकट है वही उनका करकट पड़ा हुआ है उसमें अपना बच्चे लोग लेकर के रह रहे हैं जीवन यापन कर रहे हैं लेकिन और कोई इनके पास व्यवस्था नहीं कि अपना पानी निकाल सके अगर नाला रहता तो इनको दिक्कत न होती अगर हमारे ग्राम सभा में नाला रहता तो कोई दिक्कत नहीं होती। अब वही अब ये बुजुर्ग है या तो बोल नहीं पा रहे हैं पर हाँ यहाँ से दूर से दिखा सकता हूँ ये अंदर भी चलते हैं कहीं मेरे ऊपर गिर ना जाए
अच्छा कोनो सही नहीं है, गिर भी सकता है, मैं तो डर रहा हूँ कहीं गिर ना जाए। अच्छा अच्छा चलो आ जाओ चलते हैं, आप दिखाई देते हैं। बकरियां पाले हैं, इसमें रहते हैं अभी, अपना चारा वारा मशीन रख के इसमें सोते भी हैं। देखिए अब ये देखो एक महिला निकल रही है, इसमें सोते रहते हैं। अब ये देख सकते हो एक महिला तो हमें नजर आ रही है, अब यहाँ से दिखाता हूँ। अब ये देखो, ये देख रहे हो अंदर तक, देखो अंदर तक दिखा देता हूँ। ये घर है, अब यहाँ से नीचे से अब जा रहे हैं, यहाँ पे घड़ी दिख रही है, अब यहाँ से घुस रहे हैं, आप देख सकते हो। अब ये भी कहीं ना कहीं मुझे भी डर लग रहा है कि कहीं ना कहीं गिर ना जाए, पर इधर देख सकते हो यहाँ पे पानी होनी सब कुछ है। ये है घर, दो भाई का हिस्सा है। अच्छा दो भाई का हिस्सा है, पर इधर से तो गिर रहा है, इधर भी दिखाओ, एक इधर से दिखा दो, अब मैं एक बार घुस के भी देखता हूँ। बता देना, ये देखो गिर रहा है, पर अंदर जाने खतरे ही है, कोई फायदा नहीं है, अंदर ना ही जाएंगे क्योंकि ये गिर रहा है। यहाँ पे तो कोई सामान ही नहीं दिखेगा, आपको उधर सामान दिखेगा। अब इनका प्रॉपर तरीके से मैं नाम पूछ लेते हैं कि नाम क्या है, क्योंकि मान लो ये फार्म आए ना तो पहले इनको पहल के आधार पे इनको देना जरूरी है, ठीक है ये। और एक बात और है, जो है मान लीजिए आजकल बारिश का मौसम जो है आएगा, ये घर में लोग सोते हैं, बारिश होगा, हो सकता है ये मकान गिर जाएगा, ये लोग दब के मर भी सकते हैं। यही बात है, अब ये रियलिटी थी, इन्होंने बताया कि मान लो यहाँ बारिश में ये मकान गिरने वाला है, आप लोग सो रहे हैं और सोएंगे तो दब के मर जाएंगे। प्रशासन को चाहिए जल्दी, प्रशासन को बहुत जरूरी है, देखना जरूरी है। अब वही बात है, जैसे मान लो इसका जिम्मेवार कौन होगा, जिम्मेदार कौन होगा, मुख्यमंत्री होगा जिम्मेदार होगा या कौन होगा? सबसे बड़ा जिम्मेदार मुख्यमंत्री होंगे, सबसे बड़ा जिम्मेदार गांव के प्रधान होते हैं, क्योंकि उनको गांव की समस्या पता होती है। जब अपने हमारे गांव के प्रधान नहीं देख रहे हैं तो मुख्यमंत्री को बताएं अपने आगे, उनको मतलब आपके गांव की समस्या तो पता होना चाहिए कि हमारे गांव में क्या समस्या है, आके देखें किसका कौन मकान गिर रहा है, और वो पास कराएं आगे से आवाज पास कराएं, क्योंकि गांव में लगभग 5000 आबादी से ऊपर है, उसमें सभी को तो मुश्किल है मिलना, लेकिन पर जो रियलिटी है जो उसको जो लायक है उसको ना आवाज जो है मिलना चाहिए। अच्छा जो लायक है, अब जैसे मान लो जैसे ये मकान है, अब इनके पास कोई क्या है कमाने बधमाने वाला नहीं है, ठीक है, उसके बाद इनको जो है कि ना आवाज जरूरी मिलना की स्थिति कैसी है। प्रधान से लेकर के मुख्यमंत्री से निवेदन कर रहे हैं कि मकान को जो है गिर जाएगा बरसात में, लोग दब के मर जाएंगे और आवाज जरूरी मिलना। कौन कौन है? लड़की सोसकला। दोनों जने अपना नाम बता, जैसे कि मान लो आपका नाम का है, अच्छा इसमें दो जाने का हिस्सा है। अच्छा अब ये बताओ, जैसे आप फार्म और भरे तो रिजेक्ट हो चुका है, अब नया भरोगे तो क्या क्या नाम से भरोगे? नाम अपन बता रहा है, नाम बताओ। कर्मी देवी। शिवधर, ठीक है। अब वो पुरानिया, अच्छा वो पुरानिया बोल भी नहीं सकते, मुझे लग रहा था ना। तो अब जैसे कि मान लो आप भरोगे नए तरीके से, आप भरना ठीक है, यहाँ पे जो पढ़े लिखे जो लड़के हैं ना उनको सब बढ़िया तरीके से भरवाना, कि एक भी कमी ना, जैसे एक नाम भी गलत हो जाता है ना तब भी रिजेक्ट हो जाता है वो फार्म, पर आप अपने तरीके से बढ़िया से भरवाना, कोई पढ़ा लिखा लड़का है ना गांव में तो होते ही है, उनसे भरवाना, उसके बाद गांव के भरते नहीं लड़के, ये भी समस्या। अच्छा ऑनलाइन फार्म भरे तो कहीं ना कहीं मिल सकता है ऑनलाइन फार्म भरना, तो ये है समस्या। अब इनकी तरफ से कहा गया था कि मान लो यहाँ पे ये लोग सोते हैं, अब बारिश का जब आएगा तो बारिश में गिर सकता है, और वो भी जिम्मेवार कहीं ना कहीं प्रशासन ही आता है, प्रशासन की जिम्मेवारी है। लकड़ी दही नहीं, दही नहीं, अब राशन पता ही अपना इसमें लोग लॉक कर, अच्छा वो लॉक करके रखे हुए हैं, राशन पता इसमें गेहूं चावल सब भर के रखे हैं अपना, कहां ले जाएंगे। तो अब एक तरफ से बाहर निकले तो बाहर भी निकलते हैं, कुछ राय करें और हैं। हाँ उनसे उनके, अच्छा ये बताओ बताओ ये आपका घर है ना? अच्छा ये इनका था, अब वही बात है, अब यहाँ पे सोते भी हो? सोते भी हैं क्या? जब पानी मान लो बारिश पानी आ गया अचानक वो आ गया तो फिर इसमें दब भी सकते हो? दब भी सकते हैं, पर कोई ठिकाना नहीं है इधर? नहीं, अच्छा कोई ठिकाना हम लोग को नहीं है, इसमें हम भी रखे हैं अपना सामान। अच्छा अब सरकार की तरफ, सरकार को क्या अपील करना चाहते हो कि सरकार आपको ये देने दे कि ना दे? हम तो अपील करना चाहते हैं कि सरकार हमको ये बना दे, हम लोग को। और उनको ये भी बता दो कितनी बार भरे हैं, कितनी बार भरे? 5 बार भर चुके हैं।
तो चलते हैं अब आगे चलते हैं, यहाँ पे तो दिखा चुके हैं, हम आगे शासन प्रशासन को बोल रहा है। वही मैं भी अपील करता हूँ कि प्रशासन आगे बढ़ आगे आगे तुम लड़िया मत दे कहीं ना कहीं ये देख सकते हो। अब इधर दिखाएं, अब इधर आओ, अब मैं तो इधर से झुक के निकल रहा हूँ, अब इधर कैमरा दिखाओ, आप अंदर पहले लिए। अच्छा इधर भी दिखा देते हैं, अभी दिखाते हैं, ये देखो लकड़ी उकड़ी सब गिर रही है, अब इधर दिखाते हैं, आ जाओ इस साइड दिखाते हैं। अब इधर से बहुत लोग निकलेंगे और निकलते हैं तो देखो कैसा निकलेंगे। सूरज इधर कैमरा करो तो सही, दिखाते हैं आप लोग बाहर आइए, देखे तो सही, बाहर आइए, बाहर बाहर आओ, देखो अब ऐसे निकल रहे हैं, देख सकते हो ये सुरंग की तरह से जैसे मकान बना हुआ है, सुरंग की कैसे मकान पहले इसी तरह मकान बनता था। अच्छा झुक के निकलना होता था पहले, पुराना मकान इसी तरह कच्चा बनता था, जब व्यवस्था नहीं तो इसी में इसी में रह रहे हैं। अब वो तिरपाल वाला भी घर दिखाएं, तिरपाल वाला इधर वाला तो दिखा दिए, अब तिरपाल की तरफ चलते हैं। अच्छा नाली का, नाली वाले भी चलते, पहले ये भी दिखा दे, अब एक तरफ से ये दिखा दे। शौचालय की बात करें, शौचालय नहीं है, शौचालय होता तो ये चीज नहीं लगाता, इधर दिखाना सूरज। हाँ अभी आ रहा हूँ मैं उधर भी, अब उधर भी दिखाते हैं। अब ये शौचालय होता तो शौचालय में मिला होता तो ये ना बना होता, पर अब ये महिलाएं तो इनसे बातचीत कर लेते। क्या नाम है आपका? सुनीता। सुनीता जी अब ये बताओ, ये अब मान लो आप फार्म भरे होते, इज्जत घर फार्म भरे थे, बोले 15 दिन में मिल गया, अभी तक नहीं, अभी तक नहीं आया। और आवास का? आवास भी 2-3 बार। अच्छा आवास का भी नहीं आया। अच्छा अब मान लो आपको जब से प्रधान हुए तब से गांव में ताकते ही नहीं, तो कहां से आवास मिलेगा? अच्छा वो प्रधान जो जीते हैं वो आते ही नहीं? नहीं। अच्छा अच्छा अब वोट लेने के लिए? वोट लेने के लिए बार बार आते थे। अच्छा वोट लेने के लिए, वही बात है प्रधान जी, थोड़ा सा सुनिए, आप भी आ जाते हो वोट के लिए, पर ये भी देख लो कहीं ना कहीं आप ये दिला देते, सरकारी पैसा है, सरकारी पैसा में मान लो ये अप्लाई करते हैं तो ये मिल जाता तो आपकी वोट बढ़ जाती, वोट बढ़ती तो अगली बारी जीत जाते। अब मुझे क्या, अब मैं भी ये भी कहूंगा कि मान लो ऐसी समस्या रहेगी तो अगली बारी गांव में नहीं घुसने देंगे, ये भी बात है ना? नहीं, वोट भी नहीं। अच्छा वोट भी नहीं दोगे? नहीं। उनको घुसने दोगे गांव में? नहीं। वही बात है ना, घुसने नहीं देंगे। अच्छा आपको जब मान लो आपको घर बन जाता, ये वाला घर और शौचालय मिल जाता तो आप उनको वोट देते? उनको देते, वही बात है। अब चलते हैं, कर्कट में रहती हूँ, इसी में नहाते धोते हैं, गर्मी भी बहुत है, गर्मी इतना ज्यादा है बताइए, वही बात है। अब देख आदमी भी लायक नहीं है, ठीक है वो अपना पड़ा रहता है, वो भी कुछ मदद कर देते हैं तभी हमारे बच्चे के लिए कुछ रहता है। कहीं ना कहीं घर वाले की भी दिक्कत होती है, दारू पी के वो भी सोए रहते हैं, है ना? काम हम करते हैं, काम करते हैं वो अपने ही पी के पड़े रहते हैं, कभी बच्चे को भी नहीं देखते हैं। अच्छा ये भी एक समस्या है। चलो आगे चलते हैं। अब आप यहाँ पर पानी का बता रहे थे, पानी इधर देखो कितने लोग कहते हैं, कहीं ना कहीं लोग परेशान है तभी इकट्ठे हो जाते हैं। अब यहाँ चलते हैं, कहाँ पानी की समस्या, इधर चलते हैं, आओ चलते हैं, ये भी दिखाते हैं कि कहाँ है समस्या इधर की भी। और यही घर था, यही दिखाए थे। अब यहाँ पे देखो एक ये भी दिख रहा है मेरे को, बड़ा एक गमला होता है ना, गमले का हौदी, बड़ा तगड़ा यार, ये गाँव की क्या है ये? हौदी है, और हौदी में यहाँ पे जो भैंस खाते हैं, अब यहाँ से पानी गिरेगा तो धीरे धीरे जाएगा यहाँ पे रस्ते में। फेंकी ला उठा उठा पानी जेबो ना कला नाला में, इतना बड़ा गढ़ा है। तो सूरज इधर आ जाओ, फेंकी ला हम पानी कहाँ आवे गढ़ा। अच्छा सजा है पानी का, पानी सजा है। अब जैसे ये पानी जा रहा है, अब यहाँ पे मच्छर उच्छर पैदा होंगे, डेंगू वाला बीमारी उमारी एकदम मत पूछल जाए, एकदम भर जला, एकदम नरक जला मनाने पहले गले सजा। अब जैसे बारिश का पानी आएगा कितना पानी रहेगा? सताना पानी लग जाएगा। अच्छा तो फिर कैसे जाते हो फिर बाजार वजार सब राशन पानी? यही में सब जाला का करी, हली के जाला, हली के आवल नाली भी बीच में नाला जो बना, कहीं कहीं पटिया टूटी हुई है और बारिश में जब पानी भर जाएगा तो दिखता नहीं है, तो उसमें गिर के पैर भी टूट जाता है उनका, यही बात है। हाँ भैया ये बात है, फिर भी पानी हमें निकालत रहनी, प्रधान से कहीं निकलना ना, कहीं नाल पाइप लगा के हम निकाल दें नाली में, निकाल।
अब आगे चलते हैं, आगे भी है कुछ समस्या? आगे आगे भी समस्या भैया। अच्छा इधर भी है, उधर भी दिखाओ एक बारी, वहाँ पे देख सकते हो पट्टिया वट्टिया लगी हुई है। अब इधर इधर भी चलते हैं, अब दिखाते हैं आगे आगे कहाँ से निकलेगा। और निकलेगा भी तो जो सीवरेज का जो बनाया हुआ नाली वाली ना, उसमें निकलने का है तो, पर वहाँ पे जाम हो चुका है, जाम हो चुका है। और वहाँ पे एक लड़के से ये भी है, अब वही बात है जब वो उसको सफाई फाई करने के लिए सरकारी लोग होते हैं, पर सरकारी लोगों का बात कर ले। इधर से निकले हम लोग, अब यही से निकल चलते हैं। अब क्या कहते हैं, जैसे कि मान लो वहाँ पे लड़के से बातचीत किया था तो वो कह रहा था कि सफाई करने के लिए 50-50 रुपए हम लोग देते हैं प्रधान को, ठीक है। और प्रधान कहते पूर्व प्रधान थे वो, जो उधर बात किए थे वो जो प्रधान थे, वो लोग इकट्ठा करते हैं, उसके बाद साफ सफाई होती है। पता नहीं सफाई होती है कि नहीं होती है। अब पता नहीं कितने घर होंगे, 50 रुपए भी इकट्ठा करेंगे तो पता नहीं कितना बन जाएगा, तो ज्यादा हो जाएगा। और अब यही समस्या थी गाँव की, ये भी नहीं है, इनका भी आपका भी नहीं है। क्या नाम है? अच्छा ये पानी निकालना, पानी निकाल। अब हर घर में जिनको दिखा रहे हैं वह समस्या ही समस्या है। अब इधर देख सकते हैं, इन लोगों से बातचीत किए। अच्छा ये बताओ, यही समस्या थी? बहुत समस्या, पानी का है, रोड का है, लेकिन प्रधान सब सुनते नहीं अपना, पैसा सा खा जाते हैं। अब वही बात है जो 50-50 रुपए जो लड़का कह रहा है, मैं प्रशासन से यही चाहूंगा कि जल्द से जल्द इस गांव की चौहान बस्ती को देख करके उसपे काम करने का कष्ट करें, नाला और रोड बनवाने का कष्ट करें, जिससे समस्या ना हो और सभी लोग खुशहाल हों। अच्छा एक और चीज, ये बातचीत कर ले लास्ट में भी यही कि मतलब जो ये यहाँ पे जाँच हो जाए सरकारी तौर पे, अधिकारी जो बड़े बड़े हैं वो जांच कर लें, तो इसमें कितने लोग अंदर जा सकते हैं? सेक्रेटरी प्रधान है वो जा सकते हैं, सेक्रेटरी प्रधान है, गमन करते हैं, एक नाला बनाते हैं, जैसे एक नाम डाल दिए फिर वही नाला को दूसरे के नाम से दिखा दिए, फिर तीसरे के नाम से दिखा दिए। मान ली एक नाला बन गया मुराली के घर से अनिरुद्ध के घर तक, वही नाला बन गया धना है फत्तन के नाम से चंद्रका टिबुल तक, एक ही नालों को चार बार दिखाते हैं और पैसा निकाल लेते हैं सर। अच्छा सरकारी पैसे का घपला, ये भी कहीं ना कहीं चोर मोर है। और बाकी जितने रोड चल रहे हैं सब पर खड़ंजा लगा ले, इसको सब गमन कर गए हैं, खड़ंजा कहीं नहीं लगा। वो तो दिखा ही मेरे को, कहीं 4 फुट कहीं 5 फुट। अब वही हाँ, अब वही समस्या है आपका, है ना? तो अब यही बात है, मैं प्रशासन और सरकार से यही बेनती करता हूँ, इन लोगों की भी तरफ से बेनती है कि जैसे कि शौचालय की बात करें, शौचालय मिलता है, सरकारी पैसा आता है तो मिलता है, पर जाता कहाँ ये भी नहीं पता लगता, ठीक है। वो कह रहे हैं फॉर्म 5-5, 4-4 बार भरते हैं पर फॉर्म का भी पता नहीं लगता कि कहाँ चला गया। पंचायत घर है, पंचायत घर में भी गायब कर देते हैं कहते हैं। और यहाँ पे महिला बात की है कि जब वोट लेना होता है तो रोज हाथ जोड़ के लोग प्रधान लोग आ जाते हैं, और चुनाव का जब वोटिंग हो जाती है जीत जाते हैं उसके बाद नहीं दिखते हैं। और कुछ ये भी बात निकली है यहाँ से कि कहते हैं कि 7 गांव लगते हैं, और 7 गांव में सातपुरा को मिला कर एक गांव बना है। अच्छा पूरा वो चीज सातपुरा है और उसको मिला कर एक गांव बना, जिसमें सबसे छोटी बस्ती है चौहान बस्ती है, इसका थोड़ा सा भी विकास नहीं किया गया। अच्छा वही अब वही बातचीत चल रही थी कि मतलब जहाँ से ज्यादा वोटिंग मिली और मैं ज्यादा वोट से जीता हूँ वहाँ विकास करूंगा, और इस गाँव से नहीं किया गया, नहीं हुआ है। कहते हैं कि हम तो हमको यहाँ से वोट नहीं मिला, हम काम क्यों करें इसमें, यही समस्या, वही बात है, बात निकल रही है। और मैं यही बेनती करूंगा सरकार और सरकार से और प्रशासन से जल्द इस गांव में आकर और अधिकारी अपने भेजें और देखें और जांच करें, और कहीं ना कहीं बहुत लोग इसमें घपलाखोर जो हैं, चोर मोर जो करते हैं, उसमें से कहीं ना कहीं पैसा इधर उधर कर लेते हैं, और उसके बाद इन्होंने बताया कि ये इसका नाम से उसके नाम से दिखाकर 4-5 बारी पैसा निकलवा लेते हैं, और पैसा निकल जाता है तो वही उनका जेब का खर्चा भी निकल जाता है, और उसके बाद वो मस्त मगर रहते हैं। और कई लोग कहते हैं कि प्रधान जी को फोन करते हैं वो उठाते ही नहीं है, कह रहे हैं सुबह हो गई है, रात हो गई है, हम सो रहे हैं, ये कर रहे हैं। पर उनको इसलिए बनाया गया था कि हम लोग जिताए हैं तो काम करने के लिए जिताए हैं, ऐसे नहीं करने के लिए कि तुम
घर पे सो और अपना फोन बंद करके रखो। तो मैं यही बेनती करूंगा कि जांच हो, और जांच होने के बाद जिस पे कार्रवाई हो, जो मतलब गलत बंदा हो, जिसका नाम आए कि हाँ इसने पैसा इधर उधर किया है और अपने जेब में डाला है, सरकारी पैसा जेब में गया है तो कहीं ना कहीं घपला है, और घपला है तो सरकार सख्त कार्रवाई करे, और सख्त इतनी हो कि ऐसे लोग पर कार्रवाई होगी तो चार गांव भी सुधर सकता है, क्योंकि कार्रवाई होगी तो उसके बाद पता तो लग जाएगा कि हाँ उसको कार्रवाई हुई है तो मैं काम कराऊँ। और ऐसे गांव तो मैं और भी दिखाएंगे। मेरा नाम है मनीष चौहान और मेरा नंबर है 78 37 16 22 46। आपके गांव की कोई समस्या हो कमेंट में और मेरे नंबर पे व्हाट्सएप करें, और मैं उस गांव में आऊँगा, चाहे वो यूपी हो, चाहे उसका जिला हो, कहीं भी हो, मुझे बुलाएं और मैं आऊँगा और ऐसी समस्या दिखाता रहूँगा। अब मुझे दो इजाज़त, मैं हूँ मनीष चौहान, आजमगढ़।